This conference will now be recorded. नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्मा महर्षि वैद्यराज त्रयम गोगटे पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा के 268वें पुष्प में वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल उपस्थित सभी मान्यवरों का सहर्ष स्वागत करते हैं। आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज आशुतोष यार्दी महोदय जी को सादर प्रणाम और आपका सहर्ष स्वागत। कार्यक्रम का आरंभ हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। तकनीकी दिक्कतों की वजह से स्तवन का प्रदर्शन नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्वंतरी देवता को नमन करते हुए हम कार्यक्रम में आगे की ओर जाएंगे। आयुर्वेद क्षेत्र में सुप्रसिद्ध आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज आशुतोष यार्दी महोदय जी का परिचय करने हेतु परम आयुर्वेद से जुड़ी नागपुर से वैद्य अनिता जावड़े महोदया जी को मैं निमंत्रित करती हूँ। हेलो, नमस्कार जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार। आज मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आयुर्वेद के दिग्गज आदरणीय वैद्य श्री आशुतोष यार्दी का परिचय मैं दे रही हूँ। सर, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी सागर से मोती चुनने जैसा मेरा यह प्रयास है। यार्दी सर का आयुर्वेद क्षेत्र में 26 साल का कामयाब सफर रहा है। प्रकृति, आहार, योग, वन औषधि, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन शैली, इन पर इनका विशेष अभ्यास है। संगीत, वाद्य और आरोग्य, इन पर इनका प्रभुत्व है। आदरणीय सर का शिरोधारा एवं मानसिक स्वास्थ्य, इस पर शोध निबंध भी है। सर के अनेक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। देश तथा विदेश में इनके अनेक व्याख्याने तथा कार्यशाला हुई है। अच्छी बात यह है कि प्रकृति रंजन करके एजुकेशनल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के इनके 500 से भी ज्यादा प्रस्तुतिकरण हुए हैं। और विशेष बात सर की यह भी है कि जापान तथा अमेरिका के रेडियो और दूरदर्शन पर भी इनके आयुर्वेद पर अनेक इंटरव्यू हैं। आदरणीय सर काफी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर के आरोग्य, योग एवं आहार, इस पर किताबें भी प्रकाशित हुई है। सर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, उत्तम लेखक पुरस्कार, उत्तम ग्रंथ पुरस्कार, समाज भूषण पुरस्कार, उत्तम संशोधन सादरीकरण पुरस्कार, यह सभी आदरणीय सर के मुकुट के मणि है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व के धनी आदरणीय वैद्य आशुतोष यार्दी सर हमें आज नित्य व्यवसाय में उपयुक्त चरक चिकित्सा सूत्रे इस विषय पर मार्गदर्शन करें और हमारा ज्ञान वर्धन करें, ऐसी विनंती मैं करती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद अनीता जी। मैं गुरुवर्य जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें। आपका ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ अभी तक। नमस्कार, आवाज आ रही है सबको? अभी जी सर, नमस्कार। सबसे पहले ये परम आयुर्वेद का जो उपक्रम शुरू किया है, वैद्य भुजबळ, श्री वसव भुजबळ, इन्होंने आज का 268वां उनका इस तद्विद संभाषा का लेक्चर उन्होंने रखा है, इसलिए सबसे पहले उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इसी उपक्रम को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और यहाँ सम्मिलित सम्मिलित हुए हुए सभी वैद्य वर्ग सबको प्रणाम करता हूँ, सबका स्वागत भी करता हूँ। आज का विषय जो दिया है वो चरक संहिता के चिकित्सा सूत्र, ये तो है, कॉमन है ये विषय, लेकिन उसमें मैंने उनको कहा था कि इसका अप्लाइड चिकित्सा सूत्र किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से उन सूत्रों का विचार करें, और हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर तक सबके साथ चर्चा करेंगे। ऐसी हमारी चर्चा सारिका मैडम से और भुजबळ सर से हुई थी। तो ये जो विषय है मैं आज फोकस करने जा रहा हूँ वो खाली अप्लाइड सूत्रों के ऊपर। चरक संहिता का अध्ययन जब हम करना शुरू करते हैं या अलग अलग प्रकार के तद्विद संभाषा में हम सहभाग लेते हैं, तो जितनी सारी चर्चा होती है उस गहन चर्चा में आज जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ के मैं आगे चल रहा हूं। जो जो आगे ये लेक्चर सुनेंगे, अभी भी जो वैद्य वर्ग होंगे उनमें से भी बहुत सारे वैद्य ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस की शुरुआत की है, जो जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम समय में अच्छी तरह से रुग्ण परीक्षण करके अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स महाराष्ट्र में आज अभी अभी भी ऐसे हैं कि जो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और वो आयुर्वेद ज्यादा से ज्यादा उनके प्रैक्टिस पे लाना चाहते हैं। इन वैद्यों को सामने रख के थोड़ी सी चर्चा करना शुरू किया, तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी में एमडी संहिता के एग्जाम के समय में जैसा डीप जाते हैं, इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का व्याकरण की दृष्टि से क्या शब्द का अर्थ लेना है, चक्रपाणि ने क्या कहा है, डल्लन ने क्या कहा है, ये जो सैद्धांतिक जो पार्ट रहता है उसके ऊपर वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इमीडिएटली हम कल से हमारे क्लिनिक में चरक संहिता का अप्लाइड क्या क्या कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने की हम सब कोशिश करेंगे। ये जो चिकित्सा सूत्र, जब सूत्र शब्द आता है तो हम सभी को पता है सूत्र स्थाने तो वाग्भटा, वाग्भटाचार्य का कंठ सा बहुत सारे वैद्य लोगों ने कंठस्थ भी किया है, सूत्रस्थान भी कंठस्थ किया है। वो कंठस्थ करने के लिए इजी तरीके से रिमाइंड होने के लिए वाग्भट
का स्थान अलग प्रकार का ही जरूर है, लेकिन वाग्भट पढ़ने के बाद जब चरक संहिता और डीप हम जाना शुरू कर देते हैं, तो उसी समय हमको समझ में आता है कि चरकाचार्यों के ही सूत्र, चरकाचार्यों ने जो बताया वही पॉइंट वैसे के वैसे वाग्भटाचार्य ने लिए होंगे, फिर भी उस सूत्र में कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कोई उस सूत्र से पहले या बाद में और डीप कुछ संदेश देना चरकाचार्य चाहते हैं, वो शायद मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा रहता है, स्टूडेंट्स हो, फाइनल ईयर के हो, चरक की जब एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम के समय जब पहली बार जब चरक संहिता कोई पढ़ने जाता है, तो उसको बड़ा मन के ऊपर तनाव आ जाता है, अरे क्या है, अलग अलग प्रकार के प्रकरण है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, और पढ़ते समय अरे ये तो कभी कभी ऐसा भी लगता है, जो नए है चरक संहिता पढ़ने को आए विद्यार्थी वर्ग विशेषता, उनको ऐसा भी लग सकता है कि इसमें तो बहुत सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा लग रहा है, क्या क्या योग बताया है, ये वनस्पतियां कहाँ मिल सकती है, ये नहीं मिलेगी, ये कैसा। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, आप सभी का भी वो अनुभव होगा, कि प्रैक्टिस करने से पहले, कोई पेशेंट ज्यादा देखने से पहले वाग्भट कंठस्थ किया, तो पेशेंट पहली बार देखते होंगे या अभी अभी शुरुआत की होगी तो भी आसान हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन चरक संहिता ये एक विषय मेरी नजरों से ऐसा है कि जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, थोड़ा सा अनुभव लिया है, अलग अलग प्रकार के रुग्ण मन के सामने, नेत्रों के सामने आते हैं, कोई भी मेडिकल टर्म पढ़ते समय, इन लोगों ने फिर से चरक संहिता का जब अध्ययन करना शुरू शुरू करेंगे, तो उनको समझ में आता है कि चरकाचार्य कितने डीप है और उनके चिकित्सा सिद्धांत कितने इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में, वो बाद में समझ में आ जाता है। ये अप्लाइड कैसा करने का, अप्लाइड का जब स्टडी करने जाएंगे, जब चरक संहिता पढ़ने जाएंगे, तो आप सभी को पता है कि चरक संहिता ये एक विषय ऐसा है, उसमें बहुत सारे शास्त्रों का अतिशय सुंदर तरीके से उन्होंने एक मिलाफ किया है उसमें, और ये जब चरकाचार्यों के सूत्र, उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनका थिंकिंग, ये जब हम पढ़ते हैं, जब कॉलेज में थे तो तब तक ऐसा होता था कि ऊपर का संस्कृत का श्लोक पढ़ना और उसमें दिया हुआ जो भाषांतर होगा वो खाली थोड़ा सा पढ़ना, उसमें के इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए दे देना, लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन हो, इतना ही मर्यादित था। लेकिन धीरे धीरे बार 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 जब हम चरक संहिता का अध्ययन करने जाते हैं, तो ऐसे हमारे भी समझ में आ जाता है कि चरकाचार्यों ने हजारों प्रकार के, लक्षावधि प्रकार के पेशेंट्स खुद देखे हैं, और देखने के बाद उनको जो जो विविधताएं उस समय देखने मिली, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, कोई कुष्ठ का कोई पेशेंट हो, स्किन डिसीज का हो, आजकल में जिसको एक्जिमा बोलते हैं, सोरायसिस बोलते हैं, ऐसे पेशेंट उस समय भी होंगे ना, लेकिन अनेक पेशेंट की विविधता जो चरकाचार्य ने देखी होगी, उसमें वो अलग अलग प्रकार की विविधता का कहीं ना कहीं चिकित्सा में, कहीं ना कहीं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, कहीं ना कहीं डाइट मैनेजमेंट में, कुछ नहीं हुआ तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी वो उनका संबंध इंक्लूड कर देते हैं। दूसरी बात, आपको ये भी पता चलेगी कि चरक संहिता पढ़ते समय बाकी भी शास्त्रों का अध्ययन होता है, उसमें ये सब फिलोसॉफिकल थिंकिंग जो जो है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ये तर्क संग्रह वगैरह वगैरह, जो जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, उन सभी का भी मिलाफ चरकाचार्य ने किया है। हमें क्या करना है, हम आज डिस्कशन कौन सी चीज पर करने की कोशिश करेंगे, कि ये इतना सारा एक किताब में जितना अवेलेबल है, बहुत सारा तो पुराण काल में नष्ट भी हुआ, उसमें से हुआ होगा, लेकिन जो उपलब्ध है उनमें उनमें से हर एक वर्ड,
हर एक शब्द का हम प्रैक्टिकली उपयोग कैसा करेंगे क्लिनिक में। कुछ वैद्यों को ऐसा भी लगता होगा, कभी कभी ऐसी चर्चा सुनी भी आपने सभी होगी कि चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उसमें से जो जो अभी नॉन प्रैक्टिकल पार्ट है, जो जो अभी ये नए जमाने में उसकी उपयुक्तता नहीं है, वो उसमें से निकाल दे दीजिए टीचिंग में से। चलो जितना उपयुक्त है उतना ही उसमें रखो, आज के जमाने के हिसाब से ऐसी भी चर्चा चालू रहती है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि फिलोसॉफिकल पार्ट हो, कोई तत्व ज्ञान रिलेटेड कोई भी पार्ट हो, पदार्थ विज्ञान में हमने जो पढ़ा है उसका भी कोई पार्ट हो, हर एक को पेशेंट देखते समय, पेशेंट का निदान करते समय, उनकी चिकित्सा में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते समय, हर एक शब्द का हमें कहीं ना कहीं जरूर उपयोग होता है। और वो होना ही चाहिए, इसलिए तो मेडिकल साइंस में उन्होंने लिया ना, नहीं तो बाकी भी बहुत सारे शास्त्र थे, नृत्य कला थी, चित्रकला थी, गायन कला थी, बाकी भी बहुत सारे शास्त्र थे, वो नहीं लिए। जो डायग्नोसिस में उपयुक्त है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डिसाइड करते से उपयुक्त है, उन्हीं उन्हीं को ही चरकाचार्य ने लिया है। अभी थोड़ा सा दूसरा पार्ट में शुरू में बताना चाहता हूं कि ये जो अप्लाइड का जो स्टडी करना है, हम सबको कैसा यूज करें, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन मेथड, आप क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वैद्य अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन करके चरक संहिता का कलेक्शन करते हैं, नोट्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊर्ध्व जत्रुगत, यहाँ यहाँ से स्कंद से ऊपर तक जो जो प्रॉब्लम के पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, वो केश पतन हो, वलित हो, पलित हो, नासा रोग हो, नेत्र रोग हो, मन्ना स्तंभ हो, अलग वो अलग अलग यहाँ से ऊपर के जाना, उन सभी का चरक ने क्या कहाँ कहाँ लिखा, क्या क्या लिखा है उसके बारे में, और उसमें के इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट्स करके रखते हैं, बॉडी वाइज क्लासिफिकेशन करके। दूसरा जो है कि ये सिद्धांतों का कलेक्शन, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है उनका खाली कलेक्शन करना है। स्नेहन बताते समय कुछ सिद्धांत का उपयोग किया है, स्वेदन कैसा करना है वो सिखाते समय कुछ सिद्धांतों का उपयोग किया है, पंचकर्मों में वैशेष कल्पना में कुछ सिद्धांतों का पहले विवरण करके बाद में उन्होंने उसके चिकित्सा योग देना शुरू किया है, तो सिद्धांतों का कलेक्शन एक अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले जो स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, जो जो उनकी मराठी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो, जो वो ट्रांसलेट किए हुए किताबें एग्जाम के लिए यूज करते हैं, उनमें से चिकित्सा सूत्र, कुछ डिसीज में चिकित्सा सूत्र लिखा हुआ रहता है, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, चलो आ गया पक्षवत का एक चिकित्सा सूत्र आ गया, कामले तो विरेचने ही एक सूत्र आ गया। ऐसा उस अध्याय में एक या दो इंपॉर्टेंट लाइन जो रहती है उसके नीचे अंडरलाइन करके रखते हैं या उसका कलेक्शन करते हैं और वो कंठस्थ करके रहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं चरक संहिता का प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए। जिन्होंने 10 साल से ज्यादा खुद का वैद्यक व्यवसाय किया है, 50,000 से या 1 लाख से ज्यादा रुग्ण दिनों जो जिन्होंने चेक किए हुए देखे हैं, चिकित्सा दी है, उनके उपशय अनुपशय सभी का अनुभव लिया है, वो जब फिर से चरक संहिता पढ़ते हैं, उनके तो कुछ अलग अलग अनुभव है। हमारे जो गुरुवर्य थे, हम जब पढ़ते थे पुणे में जाते थे, नगर में जाते थे, बाकी साउथ इंडिया में भी जाते थे, तो उसमें से तो एक गुरुवर्य ने हमें ऐसा बताया था कि चरक का स्टडी करने का एक और एक तरीका, आप ऐसा करके देखो, ऐसा नहीं करने का, चलो आज मैं सूत्र स्थान पूरा पढ़ के आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं करने का, आप तो प्रैक्टिशनर है, आप तो रोज रुग्ण देखते हैं, चरक संहिता का कौन सा भी पन्ना खोल देने का, सामने किताब रखने की, अंदाजा जो कुछ पन्ना खुलेगा वो खोल देने का, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक दोनों पन्ने में स्टार्ट से एंड तक जो कुछ लिखा है वो अच्छी तरह से पढ़ना शुरू करने का, उसमें जो एक एक शब्द दिए हुए
उनका हम प्रैक्टिकल यूज कैसा कर सकेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करने का। थोड़े दिन के बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे ये तो चीज हमें मालूम ही नहीं थी, अरे इसका तो विचार ऐसा करना चाहिए था, इस डिसीज में हमने तो कभी ऐसा पेशेंट देखा ही नहीं था। यहां से लेकर कुछ फिलॉसफी के सिद्धांत भी अलग अलग प्रकार के, वो भी अलग तरीके से चरका चरने चरने कैसे बताने की कोशिश किए, इसका अनुभव आना शुरू हो जाता है। रैंडम स्टडी, रैंडमली आप कौन सा भी पन्ना ले लीजिए, स्टार्ट टू एंड तक पढ़ो, और रोज कुछ ना कुछ अलग प्रकार का ज्ञान हमें उससे मिलता है, अलग प्रकार का एक थिंकिंग भी मिलता है, अपनी भी प्रज्ञा विकसित होने में उससे फायदा होता है, ऐसा भी एक गुरुवर ने हमें सिखाया था। आप भी सब लोग ऐसा करके देख सकते हैं। अभी ये जो सूत्र जो हमें आज जो चिकित्सा सूत्र है, अप्लाइड सूत्र के ऊपर चर्चा करनी है, आप में से बहुत सारे वैद्यों के मन में ऐसा जरूर होगा, कोई वैद्य लोग ऐसा डिसीज सामने लेके बैठे होंगे, अरे मेरे यहाँ ऐसे ऐसे अपस्मार के रुग्ण आते हैं, अपस्मार का चिकित्सा ये कैसे करते हैं, उनसे पूछेंगे, अरे ये पांडु की चिकित्सा कैसे करनी है। कुछ वैद्यों के मन में होगा, अरे पंचकर्म करते समय ये बताया तो उसमें चरक का चिकित्सा सूत्र कैसा करना है, वगैरह वगैरह ऐसा। मैं कहता हूँ आज के हमारी चर्चा में ये जो पारंपरिक तरीके से चिकित्सा सूत्रों की ओर हम देखते हैं उसे जरा थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। कौन से भी सूत्र स्थान हो, दिनचर्या अध्याय हो, ऋतुचर्या अध्याय हो, बाकी जो इसमें से एक एक शब्द का, एक एक लाइन का सामने जब पेशेंट आता है तो उनसे डिस्कशन करते समय हम उनमें से कौन से चीजों का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जो मेरे कुछ अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कम समय में इतना सारा चरक संहिता, हर एक अध्याय, हर एक प्रकार की उसकी जो डीप थिंकिंग है, अलग अलग प्रकार के संप्राप्ति उसका विचार है, ये इतना पॉसिबल नहीं है, ये बराबर है, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा हम एक अलग प्रकार से जरा डिस्कशन करके देखेंगे। ये जो अप्लाइड सूत्र है ना, आज हम डिवाइड करेंगे उसे, एक डिवीजन हम ऐसा करेंगे कि उसको हम नाम दे देंगे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड टीचिंग्स, जो जो चरकाचार्य ने बताई है, दिनचर्या में हो, ऋतुचर्या में हो, या अलग कहीं कौन से भी तत्र श्लोका करके पेशेंट्स को डूज और डोंट्स में लिखा होगा, कुछ मानस रोग में भी लिखा होगा, ये जो ऐसा चरक कुछ न कुछ वाक्य बताते हैं तो उनका हमें हमारे क्लिनिक में कहाँ उपयोग करना है। चिकित्सा सूत्र यानी कि खाली दवा और उसका फॉर्मूला और ये ड्रग देना, ये काढ़ा देना, इतना ही सीमित नहीं है, वो तो दवा देना तो एक चिकित्सा का एक पार्ट है खाली। काउंसिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदा डॉक्टर शुड बी अ गुड काउंसिलर, और ये बात पेशेंट से बातचीत करते समय कौन सी छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफस्टाइल में हो, आहार में हो, उनके मन में हो, उनके विचारों की दिशा हो, वो आप कैसी चेंज करो ये कहना चाहते हैं, वो उन्होंने अलग अलग अध्याय में अलग अलग सर म्यूट हो गए आप अभी। नहीं हाँ शायद अभी आ जाएगा आवाज, जी वो सर। बीच में से उधर से ही कुछ हो रहा है, अचानक वीडियो चला जा रहा है और बाद में ऑटोमेटिक म्यूट हो रहा है, लेकिन देखेंगे बीच में कोई ऐसा आया तो बता दीजिए मुझे। जी जरूर सर। गुड काउंसलर तक हो गया था, सुनाई दिया। हाँ
तो गुड काउंसलिंग। और ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चेंजेस है ना, उसका भी काउंसलिंग छोटी छोटी बातों में करना है, चिकित्सा में उसका उपयोग करना है। अभी देखो, अपने हम सूत्र स्थान में यदि जाएंगे, पांचवें अध्याय दिनचर्या रुद्रचर्या के बारे में उन्होंने बताने की उसमें कोशिश की। खाली एक सिंपल चीज बता दो अभी अभी, और क्या बोलेंगे उसे हम, प्राइमरी जो है, प्राथमिक है, जो सभी को पता है, लेकिन उसमें का थोड़ा सा और डीप चरकाचर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में एक दो तीन एग्जाम्पल पहले देता हूँ। दंत धावन वगैरह सब होने करते समय उसमें जिह्वा निर्लेखन का उपयोग करना चरकाचार्य ने कहा है। आपको श्लोक भी कंठस्थ होगा, जिह्वा निर्लेखनानि तीक्ष्ण स्युः तीक्ष्णानि अनुजुनी च जिह्वा मूलगतम यच्च। देखिए चरकाचार्य क्या कहते हैं, जिह्वा मूलगतम यच्च मलम उच्छवास विरोधी च। हमने तो इतना पढ़ा है जिह्वा निर्लेखन रोज होना चाहिए, अरुचि वगैरह दूर हो जाती है। चरकाचार्य भी वैसे बोलते हैं कि दौर्गंधम भजते तेन तस्मा जिह्वा विनिर्लिखेत, उसमें से दौर्गंध नहीं आता वगैरह लिखे, लेकिन उसमें एक चिकित्सा के हिसाब से, एक मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने दो शब्द ऐड कर दिए उसमें, जुहा मूलगतम यच्च। जुहा का जो मूल है, जो गले की ओर अंदर है, वहां जो मल तैयार हो जाता है, उस वहां जो उसके लेयर बनते हैं, वो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में अवरोध कर सकते हैं और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बिगाड़ देते हैं। आधुनिक शास्त्र से कहेंगे तो वहां से भी इन्फेक्टिव टाइप ऑफ कंडीशंस लंग्स तक जा सकती है, और वहां का जो मल है, वहां का जो टॉक्सिन है, और उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन से लेकर आरोग्यदायी श्वास श्वास हो रहा है कि नहीं, इसमें जैसा नाक है वैसा जिह्वा मूल भी है, ये चरकाचार्य ने खाली एक शब्द में वहां लिख दिया है। और हमने भी ट्राई किया है, अस्थमा का पेशेंट था, अस्थमेटिक पेशेंट को बाकी भी सब दवा चालू थी, उनको दवा ले रहा था, थोड़ा ठीक लग रहा था, फिर बाद में होता था। उनको जिह्वा मूल से लेकर यहां तक जब जिह्वा निर्लेखन उसको करने को बोला, रात का खाना बंद करने को बोला, और बाकी ये कवल गंडू जो बताया चरकाचार्य ने, वो भी उनके दिनचर्या में हमने ऐड कर दिए। तो जैसा जैसा जिह्वा मूल निर्लेखन अच्छी तरह से होने लगा, उसके बाद उसको उपशय की और अच्छी शुरुआत हो गई थी, ऐसा वो बोल रहा था। कुछ पेशेंट को बार बार गले में खिच खिच होती है, खांसी आती है, ऐसा आवाज करना पड़ता है, ये होता है, बराबर है, वो गले का प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ये सब ठीक है, लेकिन उसमें भी जिह्वा परीक्षण हमने किया है कि नहीं। देखो हम क्या दिनचर्या बता रहे, सिंपल जिह्वा निर्लेखन है, और श्वास प्रश्वास रोगों का उल्लेख चरकाचार्य ने क्यों किया होगा वहां, और वहां जो टॉक्सिन रहते हैं वो पीछे की ओर रहते हैं जिह्वा के, इसके ऊपर चरकाचार्य हमें क्यों बताते हैं। साधा सिंपल सिद्धांत है, लेकिन हमें उसे उसे प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। उसी अध्याय में जब आप जाते हैं नस्य कर्ण पूरण वगैरह जो बताते हैं, तो कान में जो तेल डालना उसका महत्व बताते समय चरकाचार्य सूत्र क्या बोलते हैं, न कर्ण रोगा वातो था न मन्या हनु संग्रह। देखो न उच्च श्रुतिर न बाधिर्यम कर्ण तर्पणात्, इसे क्या कहनी है, जिनको जोर से बोलने के बाद ही आवाज एको आती है या थोड़ा सा बाधिर्य होता है, उनको तो फायदा होगा ही, ये कर्ण रोग के जो है कॉमन दी है, लेकिन उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया है, वो बोलते हैं कि मन्या ग्रह जिनको होता है, हनुग्रह होता है, बेल्स पाल्सी जैसी कोई कंडीशन जिसे बोलते हैं आर्दित जैसे, वो भी हो जाता है, उन लोगों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, हम सब लोग तो नस्य करते हैं, स्नेह स्वेदन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके कान को कर्ण पूरण कर्णगत स्नेह इनकी भी जरूरत रहती है, वो दिनचर्या का पाठ बता है, और वो करने से इनको ये गर्दन से लेकर के अर्धित तक ये जो डिसीजेस है वो ठीक होने की, वो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है,
हम बाकी तो सब ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अरे क्या हो गया, अच्छा बेल्स पाल्सी का पेशेंट था, अच्छा ओके ओके, उनको ये दिया ये दिया, अर्धी ते नावनम मूर्धनि मूर्धनि तेल उसका प्रयोग किया, पंचेंद्रिय वर्धन तेल नस दिया, सब हमने कर दिया, लेकिन कान में भी उनको तैल प्रक्षेपण करना या कर्ण को अंदर से स्नेहन करना, ये भी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, या कभी कभी भूल सकते हैं कुछ वैद्य लोग, वो जरूरत है उसकी याद चरकाचार्य हमें इमीडिएट दिया देते हैं। और आधुनिक शास्त्र में बताया है कैसा वो एयर एयर प्रेशर अंदर का कैसा चेंज हो जाता है, और कंटिन्यूअसली कान में से ठंडी हवा या गर्म हवा अंदर जाने के बाद अंदर क्या क्या होता है, और उसके बाद नर्व्स के ऊपर, क्रैनियल नर्व्स के ऊपर क्या उसके परिणाम होते हैं, हम सबको पता है। इसलिए कर्ण का संबंध ऐसे इन कोई स्तंभ होने वाले रोगों से है, ये चरकाचार्य को मालूम था। हम हमारे रोज के व्यवसाय में इसका उपयोग करेंगे ना, करना चाहिए। और थोड़ा सा उसी में जब आगे जाते हैं तो हम प्रैक्टिकली और भी सोच सकते हैं, जैसा अभ्यंग का उन्होंने चरकाचार्य बताते हैं, वागवत में भी उसका थोड़ा सा शॉर्ट करके अलग अलग प्रकार के बताए, उसमें पादाभ्यंग का एक विशेष उल्लेख आया है, चरकाचार्य उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। रोक्ष श्रम सुप्ति ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, और पादाभ्यंग निवेशनाथ से क्या क्या होता है, सौकुमार्यत्व बल स्थैर्य ये सब उन्होंने बेनिफिट दिए, उसमें जो शब्द आया है वो हमने ध्यान रखना चाहिए प्रैक्टिस में। दृष्टि प्रसादम लभते मारुतश्चोपशाम्यति, वाग्भट में ने तो वाग्भट आचार्य ने तो उसके ऊपर एक अलग प्रकार का श्लोक ही दे दिया है, अपने फुट रीजन को मसाज करने से, फुट रीजन को घृत लगाने से, फुट रीजन को स्नेह लगाने से, जो जो बाकी सब उनके बेनिफिट हो रहे हैं, उसमें दृष्टि नेत्र रोग का तो एक इम्पोर्टेंट कर्म है। मैं क्या करता हूं, नेत्र रोग के जितने जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं, कोई किसी को नेत्र दाह होता होगा या बाकी भी दूसरे रोग है, उनको जो जो उस डिसीज के हिसाब से जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो तो मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन जिनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती और जिनको नेत्रों का कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उनको दो एडवाइस सभी पेशेंट को मैं जरूर देता हूँ कि रोज रात को सोते समय पैरों को, फुट रीजन को कैस्टर ऑयल का मसाज करो, एरेंडल स्नेह का मसाज करो। पित्त प्राधान्य होगा वहां, फुट रीजन में भी बहुत रुक्षता होगी, तो एरंडिक तेल के साथ घी यूज करके, घृत यूज करके उसका यमक स्नेह बनाने का, वो रोज रात को फुट रीजन को मसाज करना है, और आंखों को आग बंद करके बाहर से केवल घी, असली असली घी, घृत मेडिकेटेड हो तो ठीक है, नहीं तो अपना गाय का गो घृत भी यूज करना, बाहर से मसाज करना है, मसाज टू द फुट रीजन एंड मसाज टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आईज। ये नेत्र रोग में भी लाभदायक है, निद्राकर योग में भी उसका वर्णन आया है अलग अलग किताबों में, और चरकाचार्य फिर दृष्टि प्रसादम के ऊपर उसका प्रयोग करते, और शिरा स्नायु संकोच ये शब्द प्रयोग चरकाचार्य अलग तरीके से अलग लाइन में करते हैं। आते हैं ना पेशेंट्स आपके पास, पैरों की क्रैम्स आते हैं पैरों को, वहां से लेकर स्नायु अकड़ जाना, सिरा खींच लेना वगैरह वगैरह, जो अलग प्रकार के तो पेशेंट जो आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं, उस रीजन में भी मसाज करते हैं, लेकिन फुट मसाज करना, फुट बाथ लेना, ये चरकाचार्य ने स्पेशल तरीके से 4-5 लाइन उसके ऊपर खर्चा करके श्लोक में लिखा है, तो ये पेशेंट के लिए लिखा है, हम हमारे प्रिस्क्रिप्शन में आप घर में क्या क्या करो, डूज एंड डू नॉट डोंट्स, ये लिखते समय प्रिस्क्रिप्शन के पीछे ऐसे 2-3 जो एडवाइसेस है जो चरक संहिता में आए हैं वो जरूर हम पेशेंट को बताना चाहिए, वो सभी हमने। इतना ही नहीं, थोड़ा सा आगे जाके हमने देखो, हम कोई ऐसा डायरेक्ट चिकित्सा सूत्र पर नहीं जा रहे, डिसीज की संप्राप्ति के ऊपर नहीं जा रहे, सिंपल थिंग्स वी नो इट बट वी आर अनेबल टू, और वी आर नॉट थिंकिंग हाउ टू यूज इट इन आवर क्लिनिक्स, और समटाइम्स हम भूल जाते हैं, सिंपल चीज है, उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चरकाचार्य ने और क्या
सलाह दी है, ये चिकित्सा का विषय है। हमको ऐसा लगता है दिनचर्या ने खाली आरोग्यदायी लाइफस्टाइल वगैरह बता दिया, वो ऐसा करो ऐसा करो। अरे ठीक है ना, वो तो है, लेकिन हमको पेशेंट के लिए यूज करना। क्या बोलते चरकाचार्य, मध्यम पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम। किसे ये होगा? पादयोर मल मार्गाणाम शौचाधानम अभिक्षणशः, चरकाचार्य। ये पादों पाद तलक में जो मल संचित होते हैं उनकी स्वच्छता, फूट रीजन की स्वच्छता, और मल मार्ग, मल मार्ग जितने हैं, नवद्वार अपने जितने हैं शरीर में, उनका क्लीनिंग करने से जो जो बाकी फायदे होते हैं, कैसा होता है, फ्रेश लगता है वगैरह। लेकिन उन्होंने एक अलग प्रकार का वहां लिखा है, उसको उन्होंने नाम दे दिया है छोटे की मेध्यम। मेधा शक्ति बढ़ाना है तो नवद्वारों में मल संचिति नहीं होनी चाहिए। आपके पास पेशेंट आते होंगे, हमारा बच्चा स्टडी नहीं करता, उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ, यहां से लेकर अल्जाइमर तक बहुत सारे पेशेंट आप भी देखते होंगे। ये जो जो मेध्य ट्रीटमेंट हम देते हैं, मेध्य चिकित्सा करते हैं, उसमें नवद्वार में संचित मल कोई नहीं रहना चाहिए, और नवद्वारों की जहां जहां मल संचित रहता है उनका क्लिंसिंग डेली, और उसके साथ पाद तल भी अच्छे रहने चाहिए, क्लीन रहने चाहिए, सुकुमार रहने चाहिए। ये मेध्य ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, चिकित्सा का पार्ट है, ये चरकाचार्य ने सूत्र स्थान में बता दिया। आप अपनी अपनी प्रज्ञा शक्ति से कैसा यूज करना है, अप्लाइड कैसा करना है, पेशेंट को कैसा बताने का है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे, चरकाचार्य ने सूत्र स्थान में अलग अलग प्रकार के जो अध्याय दिए हैं, जैसा वेगानाधारणीय वात अध्याय है, बाकी भी अन्य अध्याय दिए हैं। उसमें सूत्र स्थान के एक 7वें श्लोक में उन्होंने जैसा दिया है ना, बस्ति में अनथा शूलम मूत्र कृच्छम शिरो रुजा, ये मूत्र का अवरोध होने से क्या क्या होता है, मूत्र कृच्छ होने से क्या क्या होता है, उसका जो वर्णन आते हैं उसमें कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने बताई है, जो हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी थी, वाग्भट में भी पढ़ी थी। स्वेदाव स्वेद अवगाह अभ्यंगान सर्पिश्चाव पीड़कम। इसमें हम स्वेदन करते हैं, अवगाह कुछ वैद्य का उसमें प्रयोग करते हैं, अभ्यंग तो सभी लोग बताते हैं, एब्डोमेन मसाज करो, पेट को मसाज करो, ये भी बताते होंगे। लेकिन सर्पी का, घृत का, अवपीड़क स्नेह, ये एक इंपॉर्टेंट चिकित्सा सूत्र है। यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड जो जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, जो जो यूरिन रिलेटेड कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते हैं, और उसी समय उनको चरकाचार्य ने बताया अलग अलग रीजन में पेनफुल कंडीशन भी रहती होगी, तो उसमें तो कुरिया त्रिविधम बस्ति कर्मचो, ये तो दिया है, त्रिविध प्रकार के बस्ती दे दो, ये भी बताए। लेकिन जो उन उनमें घर में जो क्या क्या करना है पेशेंट को, तो उसमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 1 या 1.5 चम्मच घी खाना जरूरी है यूरिनरी ट्रैक्ट से। और जो क्रम दिया है वो क्रम भी इंपॉर्टेंट है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताते हैं चरकाचार्य। पहले स्वेद बोला है, उसके बाद अवगाह बोला है, और उसके बाद अभ्यंग का वर्णन आया है। क्या उस श्लोक में ऐसा रख सकते थे ना कि अभ्यंग अवगाहन स्वेदश, या अवगाह अभ्यंगान स्वेदश, ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन जब पहले स्वेद बोलते हैं, उसके बाद अवगाह बोलते हैं, और उसके बाद अभ्यंग बोलते हैं, तो ऐसे यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड मूत्र मूत्र रोध, मूत्र कुछ, या अश्वरी के पेशेंट को जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें देनी है, तो शायद इसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनको सबसे पहले थोड़ा स्वेदन करो ना, हॉट वाटर से बैक करो या बाष्प स्वेदन दे दो, उसके बाद उनको अवगाह करना है। अवगाह पॉसिबल नहीं होगा तो कम से कम कोई मेडिकेटेड डिकॉक्शन की, काढ़े की, कोई उसके एब्डोमेन के ऊपर धारा धरने की, और उसके बाद पूरे एब्डोमेन रीजन को, पेनफुल एरिया को धीरे धीरे अच्छी तरह से कोष्ण तैल का मसाज करना है। ये काम इस क्रम से करना,
और पेशेंट को बताने का, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 1 या 1.5 चम्मच घी लेना है, उसके ऊपर 2 घूंट 3 घूंट गर्म पानी पीना है, क्योंकि स्नेह के ऊपर ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। अध्याय कौन सा है? फर्स्ट ईयर का अध्याय। राज क्या है? विवेकानंद धारणे वाद में उन्होंने कुछ न कुछ बताया है, हमें पता नहीं ऐसा ही कहा, जरूर पता है, लेकिन हम प्रैक्टिस में उसका यूज करते समय इतने सीरियस तरीके से हमेशा उसका यूज कभी कभी नहीं करते हैं। ये जो पुरुष अवरोध अवरोध के बारे में बोलते समय आप सभी को पता है कि उसमें एक लक्षण है कि को पिंड को द्वेष्टन, अध्वान वगैरह तो पता है लेकिन पिंड को द्वेष्टन, इसके ऊपर वाग्भटाचार्य ने भी वही शब्द लिया है, अन्य ग्रंथकार भी उसके ऊपर वही फोकस करते हैं। मसल्स में, काल्फ मसल्स में, पैरों में क्रैम्स आने से लेकर उसी एरिया में बार बार दर्द होते रहना, पैर दुखते कहाँ दुखते, पिंड को दृष्टानी इसके ऊपर होता है, तो उनको पुरुष अवरोध कुछ न कुछ संप्राप्ति जरूर उसमें होगी। उसमें भी यही क्रम बताया कि स्वेद अभ्यंग अवगाह और उसके बाद वस्तिकर्म, ऐसा चरकाचार्य बोलते हैं, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, इन पेशेंट को काउंसलिंग करते समय, उनको डाइट मैनेजमेंट देते समय, हितम प्रतिहत वर्चस्व अन्नपानम प्रमाथि च, ये पिंडिको दृष्टन वाले लोग, और खाली पिंडिको दृष्टन नहीं, वो पुरुष के अवरोध के कारण, पुरुष वेग का धारण करने के कारण, सही समय पर मोशन ना होने के कारण जो जो लक्षण होते हैं उनके अन्नपान ये प्रमाथी द्रव्यन से सिद्ध करके उनको देना है। प्रमाथी द्रव्य आपने पढ़ा होगा, शारंगद्र संहिता 4th अध्याय मध्यम खंड आपने देख रखा है, यह द्रव्यम निजवीरेण चौथा संचय निरस्ति यथा मरीचम वचा, यह प्रमाथी की व्याख्या भी आपने कंठस्थ की होगी, लेकिन वो जो जो प्रमाथी द्रव्य है, मरीच हो वचा हो, ये अन्नपान में उससे मेडिकेटेड फूड बना के पेशेंट को खिलाना है, ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, डाइट मैनेजमेंट का पार्ट है, वो चिकित्सा में यूज करना है, पेशेंट को बताना है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना इस समय, बाकी जो आपको ट्रीटमेंट देनी है वो दे दो ना पेशेंट के लिए, आपको जो बस्ती लगता है बस्ती दे दो, वर्ती देना है उनको वर्ती का यूज करो, लेकिन ऐसे छोटी छोटी जो एक शब्द है, कुछ प्रयोग है जो हम कभी प्रैक्टिस में भूल सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये जब वोमन का अवरोध करने से क्या क्या होता है ये भी आपको पता है, और सभी को ये भी बताया कि उन्होंने सभी सभी ग्रंथकार फोकस किसके ऊपर करते हैं कि कंडू कोठ, ये जो स्किन में अर्टिकारिया से लेकर ये शीत पित्त उदर द कोठ खुजली आना, इसके भी पेशेंट आजकल बढ़ रहे हैं, एंटी एलर्जिक दवा लेना, कोई स्टेरॉइड लेना, आयुर्वेदिक भी लिया तो थोड़े दिन तक थोड़ा सा ठीक लगता है, फिर से वो होना शुरू हो जाता है, इनको पूरी तरह से ठीक करना ये भी एक चैलेंज होते जा रहा है। और मैंने मेरे पास जो जो पेशेंट है उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं कि उनको हमेशा सर्दी की भावना रहती थी, वॉमिटिंग सेंसेशन रहता था, उस समय सिर दर्द भी होता था, एसिडिटी एसिडिटी करके एसिडिटी की दवा चालू है, ये सब चालू रहता था, और वो एसिडिटी की दवा भी लेते थे, माइग्रेन या एसिडिटी ऐसा करके उनकी ट्रीटमेंट चालू रहती है, लेकिन ये माइग्रेन वाले पेशेंट एसिडिटी एसिडिक रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस ऐसे जो जो पेशेंट है उन ऐसी हिस्ट्री जिनको है और उनको दर्द होता है, और उनको ये जी कोई ये स्किन रैश वाला कोई प्रॉब्लम आने लगा, कंडू जैसे लक्षण उनमें तरह हो गए, तो उनकी लाइन ऑफ उनका भी कहीं ना कहीं तो सर्दी का अवरोध के कारण या अच्छी तरह से वमन बाहर न जाने के कारण भी होता होगा। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो, क्या बोलते हैं चरकाचार्य, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम, इनको लंघन करना चाहिए ना एसिडिटी, इसलिए 4 टाइम खाओ थोड़ा थोड़ा खाओ, ऐसा इनको बोलने की जरूरत नहीं है, कम से कम उनका रात का फूड बंद करने का है, लेट नाइट डिनर बंद करने का है, थोड़ी क्वांटिटी में रक्तमोक्षण से भी उनको लाभ होता है,
और चरकाचार्य स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि इनको डाइट मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, ठंडी हवा में मत जाओ, सरसों का तेल का अभ्यंग स्नान करो, बाहर से उष्ण चिकित्सा की जरूरत रहती है, और पेट में जो पित्त शामक या थोड़े से रेचन जरूरी है उतना दे देते हैं। चरकाचार्य ने उसमें और मॉडिफिकेशन करके बताया, वृक्षान्न पानम व्यायामो विरेकाश्च तत्र शस्यते। ये जो जो कंडू उदर कोट के पेशेंट आपके पास आते होंगे, उनके डाइट मैनेजमेंट में वृक्षान्न पान, इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं या नहीं करने वाले? खाली खट्टी चीज मत खाओ, दही मत खाओ, ये तो हम बताते हैं, लेकिन थोड़ा वृक्ष अन्नपान, वो कैसा वृक्ष देना है वो आप अपने अपने बुद्धि से अलग अलग प्रकार से तय कर सकते हैं। उसके बाद चरकाचार्य बोलते हैं उनको वृक्षपान भी दे दो और उनको बोलो थोड़ा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। ये उदर कोट वाले पेशेंट जो है उनको व्यायाम के ऊपर फोकस करने को बोला है, और उसके बाद आपको जो विरेचन देना है वो विरेचन दे सकते हैं, माइल्ड लैक्सेटिव मेडिसिन दे सकते हैं, स्ट्रांग दे सकते हैं, रोज रात को लैक्सेटिव मेडिसिन देना है तो वो भी दे सकते हैं। दूसरे कुष्ठ अध्याय में जो चिकित्सा बताई होगी, अलग अलग अध्याय में जो बताई होगी, तो वो तो हम जरूर पेशेंट को देने वाले ही है। गंधकरसान हो, आरोग्य वर्धिनी हो, या बाकी पटोल मूलादि कषाय हो, वो तो आप जरूर दो, लेकिन ये दूसरी जगह आया हुआ सूत्र उनका संबंध यहाँ भी रह सकता है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। वृक्षान्नपान व्यायाम और विरेकोष, इसके ऊपर ये करना है। अभी देखो, और हम व्यवहार में शुरू में मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंट से बातचीत करते समय, पेशेंट का चेकिंग हो गया, अभी जा रहा है, और अभी मैं क्या खाऊं क्या नहीं, ऐसे बातचीत करते समय जो आप बातचीत करेंगे उसमें चरक संहिता के कौन से छोटे छोटे सूत्र हम हमारी जब पेशेंट से बातचीत हो रही है उस समय उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अभी शुरू में थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। व्यायाम का महत्व सबको पता है, श्लोक भी कंठस्थ है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुःख सहिष्णुता दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायामोपजायते, आपको पता है लाघव क्या है, कर्म सामर्थ्य क्या है सब। चरकाचार्य ने एक शब्द कौन सा यूज किया यहाँ जो बाकी ग्रंथकारों में उसका उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया? बोलते दुख सहत्व या दुख सहिष्णुता, सोचने वाली बात है, पेन बेरिंग कैपेसिटी, ये व्यायाम करने वालों की अच्छी रहती है, यहां तक हम उसका समझ सकते हैं। लेकिन ये जो दुख है, ये खाली शारीरिक दुख, खाली वेदना ऐसा ही नहीं रहता, मन का भी दुख रहता है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, सब कुछ करने के बाद भी अब हमें जो जो चाहिए उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, इसलिए अंदर से दुखी है। ऐसे पेशेंट से बातचीत करते समय आप जो जो उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे देंगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसमें व्यायाम, एक्सरसाइज, मॉडर्न साइंस अभी कहता है ऐसे पेशेंट को मिनिमम 14 मिनट्स टू 20 मिनट, 14 मिनट से 20 मिनट का कंपलसरी किया है। ऐसा स्टडी भी हुआ है कि डिप्रेशन के लोगों को कुछ ग्रुप को ऐसा रखा था कि उनके पास रोज एक्सरसाइज करवा दी, और कुछ पेशेंट को ऐसा दिया था उनको एक्सरसाइज नहीं करने को दी थी। दोनों के रिजल्ट देखे, दोनों के उन्होंने जो जो टेस्ट रहे थे साइकोलॉजिकल वो टेस्ट भी लिए थे, जो व्यायाम एक्सरसाइज मिनिमम 14 मिनट्स का करते थे उनके विल पावर में, उनके थिंकिंग पावर में कैसा कैसा चेंजेस होने लगा, कैसे कैसे उनके साइकेट्रिक ड्रग कम होते गए, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। आप सभी को ये भी पता हैप्पी हार्मोन्स, ये जो हैप्पी हार्मोन्स स्रवित होते हैं वो खाली व्यायाम से ही होते हैं। चरकाचार्य ने बड़ी कुशलता से दुख सहिष्णुता, ये कैपेसिटी का संबंध ये व्यायाम श्लोक में उन्होंने डाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम तो एप्लाइड की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो पेशेंट आएंगे हमको ऐसा लगा कि अरे थोड़ा सा ये है, अपसेट है, मन मन से थोड़ा दुखी रहता है, उनको चलो जरा ये कम से कम ये 10 मिनट सुबह ये व्यायाम करो, 10 मिनट शाम को ये व्यायाम करो, हमने ऐड कर दिया, चरक का ही फॉर्मूला यूज किया, दुख सहिष्णुता के बारे में हमने कुछ सोचने की कोशिश की है। ये हमने खाली दिनचर्या के ऊपर हम फोकस कर रहे थे,
ये उसी उसी अध्याय में, ये वेदांत धारणीय अध्याय जो बताया है सूत्र स्थान में है, सातवें श्लोक में, उसमें उन्होंने ये जो आगे एक श्लोक दिया था वो वाग्भटाचार्य ने उसमें एक लाइन में उसका शॉर्ट शॉर्ट किया था। वाग्भटाचार्य ने उसका क्या किया था, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म, पादेन पथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वातेजे, हमने एग्जाम के समय पढ़ लिया था, अर्थ लेने की कोशिश की थी। चरकाचार्य ने थोड़ा विस्तृत दिया है, हितकर पदार्थों का सेवन कैसे बढ़ाना, अहितकारक पदार्थों का त्याग कैसे करना, सात में असात में ओक सात में ओक के बारे में हम जैसे चर्चा करते हैं वैसा चरकाचार्य ने इतनी अच्छी तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी है। वो बोलते हैं हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्र चात्रोपदिश्यते, एक एक क्रम से धीरे धीरे करके हितकर चीजें पेशेंट के आहार में, उनके दिनचर्या में, उनके दवा दवा में जो कुछ भेषज देने वाले उसमें धीरे धीरे बढ़ाओ, और जो चीजें छोड़नी है जो कम करनी है वो धीरे धीरे कम करते जाओ। अरे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, कल बिल्कुल नहीं दही बिल्कुल खाने का नहीं, कल से दही बंद, दूध पीना बंद कर दो, या रात को 10 बजे 15 साल से खा रहे खाना, कल से बिल्कुल नहीं, 6 बजे के बाद कुछ खाने का नहीं। अरे फटाक से एक दिन में पेशेंट को जो ओ का साथ में हो गया है उसे जल्द वैसे नहीं करना है। और इतना ही नहीं, और आगे जाके चरकाचार्य बोलते हैं वो प्रक्षेपाप चये ताभ्याम क्रमम पादांश को भवे, कैसा बोलते हैं, एकांतरम द्वयंतरम त्रयंतरम, ये शब्द प्रयोग किए हम प्रैक्टिस में, क्यों नहीं इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्मोकिंग छोड़ना है, स्मोकिंग कर रहे हैं और उसको स्मोकिंग बंद करना है, बिल्कुल स्मोकिंग करने का नहीं, बंद कर दो, 15 साल से वो स्मोकर है वगैरह वगैरह जो कुछ होगा वो, चरकाचार्य बोलेंगे कि एकांतरम द्वयंतरम त्रयंतरम। मैं तो बहुत सारे पेशेंट को ऐसा ही कहता हूँ, अरे भाई आप स्मोक कर रहे हैं स्मोकिंग कर रहे हैं गलत है, आपको भी पता है सभी को पता है। सबसे पहले बात उनको क्या बतानी चाहिए कि आप पहले जो आप जो स्मोक करते हैं निकोटिन लेते हैं, पहले एक या दो या ज्यादा से ज्यादा तीन, ये जो पफ लेते हैं अंदर जाता है उतना ही आपको जो कुछ रिलैक्सेशन वगैरह की बैठना वगैरह जो बोलते हैं उसके लिए भाई, बाकी जो आप अंदर धुआं ले रहे छोड़ रहे वो खाली रिपीटेशन रहती है, वो 20 रुपए की सिगरेट वो पूरी खत्म करनी है वैसे कैसे फेंक देने का, इसलिए रिपीटेशन होती है, आपको फायदा एक या दो से होना। आधी आधी कट कर लो सिगार, एक या दो ही पफ ले लो, उसके आगे जाके पेशेंट को आप बता सकते हैं कि दिन में जिनको ये निकोटिन से लेकर बाकी इनके एडिक्ट जो हो गए उनको दिन में एक्चुअल जैसे मराठी में बोलते हैं कि तल्लफ आना तल्लफ एते, अभी ब्रेन डिमांड कर रहा है, उसके 2 या 3 ही टाइम रहते हैं। किसी को खाना खाने के बाद चाहिए ही चाहिए, किसी को सुबह मोशन को जाने से पहले चाहिए चाहिए, किसी को रात का खाना खाते समय 2 या 3 ही टाइम, और बाकी टाइम में जो ये पान गुटखा निकोटिन ये लेकर ये स्मोकिंग तक जो जो कुछ चीजें लोग करते हैं वो तो खाली टाइम पास रिपीटेशन रहती है, उतनी ब्रेन को जरूरत नहीं रहती है। वो टाइमिंग पेशेंट को सिखाने पड़ती है, धीरे धीरे वो टाइमिंग सिखाओ, उसके बाद एकांतर, एक दिन इतना ही 2 या 3 पफ वाले 2 टाइम लेने का, दूसरे दिन आपको जो करना है करो, फिर एक दिन मैंने जैसा बताया वैसा करने का, उसके बाद आपको जो कुछ करना है करो, उसके बाद 2 दिन आपने जो बताया वो परहेज रखने का बाद में करने। घी खाने से कुछ लोगों को उल्टी होती है, हमें घी अच्छा नहीं लगता, माला तूप आवड़त नहीं, तुपातला औषध नको, ये कहने वाले पेशेंट भी बहुत सारे हैं। थोड़े साल के बाद उनका शरीर भी ड्राई होने लगता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी लेकर एनीमिया तक क्या क्या होता है, या आप में से बहुत सारे वैद्यों ने देखा भी होगा, लेकिन उनको नहीं नहीं आपके ब्रेन को घी की जरूरत है, सुबह 2 चम्मच शाम को 2 चम्मच खाना ही चाहिए, ऐसा बोलने वाला वैद्य ये चरकाचार्य का जो अभिप्राय थे वो वैद्य नहीं होगा। पादेन पथ्यम अभ्यस्तम, पाद
पादपादेन वातजे। पहले दिन पेशेंट को बताओ, अरे यार एक पाव चम्मच या 10 बूंद खाली घी चावल में या दाल में आप डाल लो, भूल जाओ डाल दे। दूसरे दिन बिल्कुल मत घी खाओ, ऐसे 2-3 दिन करो अल्टरनेट डे। उसके बाद 2 दिन तक ये 10 बूंद वाली पाव चम्मच लेने की, उसके बाद फिर 1-2 दिन आपको जो नहीं खाना तो नहीं खाओ, उसके बाद 3 दिन तक मैंने बताया वैसा घी खाओ। ये एक एक क्रम करके शरीर को धीरे 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 ठिबक सिंचन पद्धति से हमको पेशेंट को करना। क्रमेणोपचिता दोषा क्रमेणोपचिता गुणा का जैसा श्लोक आया है में, उसका ये संबंध इधर ही वो वेगाना धरने में देते हैं, और वो प्रैक्टिकली हमको पेशेंट को सिखाते समय वो करना चाहिए, बुरी चीज छोड़ते समय और अच्छी चीज एडॉप्ट करते समय। फटाक से नहीं करना, ये चिकित्सा सूत्र के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। इतना ही नहीं, आगे जाके चरकाचार्य ये डायग्नोसिस करते समय कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं। सूत्र स्थान में आया है, 7वें अध्याय में उन्होंने बताया है, द्वे अध सप्त शिरसी खानी स्वेद मुखानी च मलायनानी बाध्यंते दुष्टेर मात्राधिकैर मलई, ऐसे बोलते हैं। मल वृद्धि करने से वो गुरुतया कैसा कैसा होता है, क्या होता है, और मलायनाम बुद्धे तो संगोत्संग उत्सर्गाति वच, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने पहले लाइन में द्वे अध सप्त शिरसी स्वानी स्वेद मुखानी च, ये जो पहली लाइन दे दी है, हाचिसंस क्लिनिकल मेथड में इसका यूज होना चाहिए। हमारे गुरुवर्य थे, वो पेशेंट को पूरी तरह से चेक करते थे, नाड़ी परीक्षा करते थे, उसी समय वो ये पूरे के पूरे 9 द्वारों का चेकिंग करने की कोशिश करते थे कि जितने हो सके उतने आप कोशिश करो, कम से कम पेशेंट को प्रश्न परीक्षा करो। द्वे अध सप्त शिरसी दोनों नॉस्ट्रिल भी वो चेक करेंगे। अरे क्या अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का डायग्नोसिस आता था। पेशेंट किसका है, अस्थमा का है। उन्होंने ये चेकिंग करते समय मालूम हो गया कि अरे उनकी तो एक नॉस्ट्रिल बंद ही है, वहां डीएनएस है, डिवेटेड नेजल सेप्टम है, दूसरी में जरूरत से ज्यादा बहुत ड्राइनेस होते जा रहे हैं, और ये एक नॉस्ट्रिल बहुत रेडिश हो गई, और डीएनएस के कारण वन वे ट्रैफिक चालू है श्वास श्वास का उसका। चलो तमक श्वास की चिकित्सा करेंगे, लेकिन पहले फोकस करेंगे इनके दोनों नॉस्ट्रिल ठीक कैसे होंगे। पहले नाक का परीक्षण किए बगैर तमक श्वास की ट्रीटमेंट आप कैसे देंगे। कान का परीक्षण है, और ऐसा ये सभी इनका परीक्षण, वहां संचित होने वाले मलों का परीक्षण, ये रोग निदान के हिसाब से होना चाहिए। उसमें चरकाचार्य ने और जो ऐड किया है, स्वेद मुखानिच, कुछ जगह ऐसी है वहां के स्वेद मुखों का परीक्षण भी कुछ पेशेंट में करने की जरूरत रहती है। आर्मपिट्स हो, जंघा प्रदेश हो, नितंब प्रदेश हो, बैठने की जगह हो, कुछ जगह ऐसी रहती है कि वहां के स्वेद मुख ये बिगड़ जाते हैं, और स्वेद मुख का बिगड़ने से कितने अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो सकते हैं। ये जो पादारी के पेशेंट आते होंगे, आपके यहाँ भी आते होंगे, पैरों को बहुत कट्स हो रहे हैं, हाथों को भी कट्स होने लगा है, त्वक स्फुटन ये लक्षण हो रहा है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, स्किन बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं ये तो ये फुट रीजन और पाम रीजन का, ये तो सोरियासिस है। वो बोलते हैं उसको ये ऑइंटमेंट लगाओ, ये ऑइंटमेंट लगाओ। बहुत सारे पेशेंट को मैं ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक्चुअली वो सोरियासिस ऐसा दिखता होगा, वहां कट्स आते हैं, वहां वुंड्स आते हैं पाम रीजन के ऊपर, पैरों में भी वुंड्स आते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वहां की स्वेद ग्रंथियों का कार्य बिगड़ गया है। पहले स्वेद मुखा नीचे वो बंद होने शुरू जाता है, और जब वहां से इवेपोरेशन नहीं हो रहा तो हीट बढ़ेगी, वहां की त्वक स्फुटन होना शुरू हो जाएगा। आपको जो उनको चिकित्सा देनी है वो जरूर दे दीजिए। जात्यादि तेल देना है, जात्यादि घृत देना है, वृणरोपण तेल लगाना है, वहां जो कुछ करना है वो जरूर आप दे दीजिए, पेट में भी जो दवा देने लें। लेकिन स्वेद ग्लैंड से अच्छी तरह से स्वेद नहीं आता है, ये बहुत सारे पेशेंट दिखता है, तो उनको एक वेस्टर्न चिकित्सा, प्लास्टिक का एक प्लास्टिक की थैली लेने की,
या जो डिस्पोजेबल ग्लोव्स आते हैं वो हाथ में डालने के 24 आवर जितना हो सके वो पैक रखेंगे उसको, प्लास्टिक से या किसी के से, पूरा का पूरा हमेशा पैक रहने से धीरे धीरे अंदर से स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। और जब स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है तो ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट में उल्टा भी होता है, स्वेद मुखा मुखा नीचे, पाइलोनिडल साइनसेस के पेशेंट भी आपने देखे होंगे। पाइलोनिडल साइनस के तो पेशेंट ठीक नहीं होते, कुछ लोगों को सर्जरी करनी पड़ती है, उजिंग वहां से चालू रहता है। रूट कॉज कहाँ है? रूट कॉज तो केश बुला में स्वेद मुख का फंक्शन ठीक नहीं हो रहा उसमें रहता है। इतना ही नहीं, एक पेशेंट का मैं आपको अपना बताता हूँ कि उनकी पूरी हिस्ट्री ले ली। हाई ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपर टेंशन, एंटी हाइपर टेंशन दवा चालू थी, ब्लड प्रेशर की दवा मुझे कम करनी है इसलिए भी आया था, बाकी उनके लक्षण थे। उनका पूरा इतिहास लेने लेते समय ऐसा महसूस हो गया कि उन ये केस हाइपरटेंशन की हो या बाकी दूसरी किसी बाकी उनके जो कंप्लेंट उसकी हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्वेदावरोध की केस लग रही है। उनको 10 साल में 8 साल में पिछले अच्छी तरह से स्वेटिंग कभी हुआ ही नहीं था, उनको स्वेट आता ही नहीं था। कौन सी दवा दी होगी उनको? अपनी त्रिभुवन कीर्ति तो ज्वर की दवा है, उसको पेशेंट को थोड़ी ज्वर था, लेकिन त्रिभुवन कीर्ति में जो दिया है हिंगोलम च विषम वेशम टंकण मागधी शिवम, इनमें ये तो स्वेदकर शब्द द्रव्य है। उनको उद्वर्तन करने को बोला, योग्य तरीके से एक्सरसाइज करने को बोला, अगरू जैसे द्रव्यों का प्रयोग किया। जैसा जैसा स्वेटिंग आने लगा उनको थोड़े दिन के बाद, धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर कम होते गया। क्या किया मैंने? मैंने खाली ये जब हम जैसे नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श दुर्गा कृति अष्टविध परीक्षा से जाते हैं, हमने सूत्र स्थान में बताया चरकाचार्य ने द्वे सप्तशिरसि स्वानि स्वेद मुखानि च, इसमें से उसका भी मन में रखेंगे हम। जैसे बोलते हैं ना मेल पेशेंट की हिस्ट्री, उनको डिपेंडेंसी क्या है, ड्रग हैबिट क्या है, व्यसन व्यसनाधीनता क्या है उनकी, ये पूछे बगैर कंप्लीट नहीं होती। और फीमेल पेशेंट की हिस्ट्री, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रश्न किए बगैर पूरी नहीं होती। वैसा ये अष्टविध परीक्षा हो दशविध परीक्षा हो, ये नवद्वारों की कुछ हिस्ट्री कुछ प्रश्न, उसमें स्वेद भी आता है स्वेटिंग भी आता है, ये उसका बारे में कुछ थिंकिंग किए बगैर अपने को चिकित्सा की शुरुआत नहीं करने की। कुछ ना कुछ उसमें से हमें नई दिशा मिलती है और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। और आपको पेशेंट को काउंसलिंग करना है, आप बोलेंगे सर आप कोई दवा तो कोई बता नहीं रहे, खाली थियोरेटिकल बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल थियोरेटिकल नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ने भी चरक संहिता पढ़ना शुरू कर दिया और उसको बोला 8 दिन के बाद आप जरा क्लिनिक में जाके इसमें से कैसा आप पेशेंट को बताएंगे, तो उसको भी आना चाहिए। ये मन में रख के मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो सूत्र स्थान पे ही हम बात कर रहे हैं थोड़े से शुरू में, तो इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में जाइए, पूरी डूज एंड डोंट्स इतने अच्छे तरीके से उन्होंने लिखे हैं, क्या कितने अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम जब एग्जाम के समय पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये क्या बहुत सारे, ये अच्छा करो, सत्य बोलना चाहिए असत्य बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। पर उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है वो पेशेंट को हम शेयर कर सकते हैं बता सकते हैं। पूर्वाभिभाषी सुमुख, ये शब्द प्रयोग पहले चरकाचार्य ने किया है, इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में किया है। आगे आगे लिखते हैं ना वो पूर्वाभिभाषी क्या सुमुख दुर्गेश्व अभिपत्ता होता यष्टा दाता चतुष्पंथान नमस्कर्ता वगैरह वगैरह, उन्होंने क्या क्या रहना चाहिए ऐसा चरकाचार्य दिया है। रास्ते में जब हमें कोई मिलता है ना या कोई अपने घर आता है तो उनसे बातचीत करने की शुरुआत सबसे पहले आपकी ओर से होनी चाहिए। आप पहले उनको स्माइल दे दो,
आप उनको पहले आए, उनकी क्षेम कुशल पूछो उनको, आप उनको, अरे बहुत दिन के बाद आए, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ आपसे हो रहे। बहुत सारे वैद्य या बहुत सारे पेशेंट ऐसे करते हैं, कभी कभी मैं क्या हमेशा बोलने जाऊँ, वो कहाँ बोलती है मुझसे, मैंने तो उनको हाय किया तो वो कभी देखते भी नहीं, हर समय मैंने ही इनिशिएटिव लेना क्यों जरूरी है वगैरह वगैरह। चरकाचार्य का कहना है, अरे भाई आप खुद की ओर से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो दूसरों को अच्छा लगना चाहिए, दूसरों के लिए इसके ऊपर मत ध्यान दो, तुम्हारा तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा आरोग्य, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंटरनल सिस्टम, ये उससे अच्छी रहेगी। और ये तो साइकोलॉजी का काउंसलिंग का प्रिंसिपल है, पेशेंट को बता सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट को, जिन जिन पेशेंट को थोड़ा सा लोनली लगता है, लोनली फीलिंग लगता है, हमेशा थोड़ा सा निगेटिव थिंकिंग उनके चल रहता है, उनको जो कोई आप चिकित्सा देंगे उसमें से और एक ऐड कर दो ना उनके लाइफस्टाइल में, क्या ऐड करने का, पूर्वाभिभाषी सुमुखा, ऐसा आपसे जो कोई मिलेगा ना उसको अच्छी तरह से उनको हाय हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप खुद बोलो, थोड़ा सा क्षेम कुशल आप ही पूछना शुरू करो, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम अच्छी तरह से स्माइल, स्माइलिंग फेस से तो देखो। ये थोड़े दिन करने के बाद निश्चित रूप से दूसरे भी उनके लक्षण कम होने में फायदा होता है, चिकित्सा में हम उसका यूज कर रहे हैं, काउंसिलर लोग ऐसे ही तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल मॉडर्न परिभाषा से पेशेंट को देते हैं, एक एक घंटे का, दो दो घंटे का उनका सेशन रहता है, दो दो हजार, पांच पांच हजार रुपए उनकी फीस रहती है, और प्रिंसिपल तो हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे लगते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा ये सूत्र स्थान का मैंने यहाँ पे बताया। इसमें भी देखो डूज एंड डोंट्स में, एक सेकंड, किसी ने कोई मैसेज दिया है क्या, देख लेता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग, ओके सॉरी। तो समुपदेशन ये पूरा का पूरा सूत्र स्थान में आठवें अध्याय में आप जब जाएंगे तो उसमें जो 26, 27 के जो श्लोक है ना, वो पूरा का पूरा श्लोक ये पेशेंट के साथ बातचीत करने के लिए लिखा है ऐसा लगता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग। न कार्य कालम अति पातयेत, अरे अपना समय ज्यादा व्यर्थ मत करो, ना परीक्षेत अभिनिवेश तू, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इससे क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, थोड़ा सा जरा थिंकिंग करके बाद में स्टार्टिंग करो कोई भी वर्क। न इंद्रिय वशगा से लेकर चंचल मनोभ्रमा वगैरह वगैरह सब लेकर उसमें चरकाचार्य क्या बताए, न बुद्धि इंद्रियाणाम अतिभारम अध्यात्, बुद्धिन्द्रिय के ऊपर भी ज्यादा भार देने का नहीं है। जो जो पेशेंट ऐसे हैं, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े बिजनेस लोगों को में तो उनको 24 आवर में आंख खोलने से जब खोलते हैं और जब रात को सोते हैं तब तक उनके दिमाग में खाली ये लोन है, ये लोन है, ये लोन कैसा देना है, बिजनेस कैसा बढ़ाना है, कौन से बैंक में क्या करना है, यहां से लेकर पूरा कंटिन्यूअसली वो बुद्धिन्द्रिय के ऊपर तान देते रहते हैं। थोड़ा सा समय निकाला है, कैजुअल वे से अपनी पत्नी से कुछ बातचीत हो रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कई अच्छा किताब पढ़ ले बैठे हैं, नेचर में जाके सिटिंग क्वाइटली डूइंग नथिंग, जेन जेन पोएम है एक, सिटिंग क्वाइटली डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ विदाउट डूइंग एनीथिंग, एक जगह बैठना आता है क्या, बहुत जरूरी आता ही नहीं, पूछो पेशेंट को आपके बहुत सारे, अभी कैसा हुआ है क्या, अभी कभी ऐसा क्या, वैसे बैठे हैं आराम से आपके टेरेस पे बैठे हैं या देख रहे हैं नेचर, देख रहे हैं आकाश, देख रहे हैं, किसने पूछा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई प्लानिंग कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, विचार कर रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, देख रहा हूँ, क्यों, ऐसा भी कुछ नहीं, देख रहा हूँ, ये समय मिल नहीं रहा लोगों को, बुद्धिन्द्रियों को थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत है, चरकाचार्य ने पहले ही बता दिया है।
इतना ही नहीं, वो आगे बताते हैं, न क्रोध हर्षावनु विद्यत, जब आप ज्यादा एंग्री रहे हो जाते हैं, क्रोध संताप मन में आ जाता है, तो उस समय कौन से भी रिएक्शन देना सही नहीं है। साइकोलॉजी का काउंसलिंग चरकाचार्य बता रहे, पेशेंट को भी हमको बताना है। और जब हर्ष भरी ताप होते हैं, बहुत आनंददायी होते हैं, उस समय भी कोई कंक्लूजन निकालना या कोई कमिटमेंट करना ये भी ठीक नहीं है। न क्रोध हर्षावन विद्यत, एक लाइन में उन्होंने बड़े बड़े प्रिंसिपल लिख के दिए हैं। आगे भी उन्होंने ऐसा बड़ा पैरा उसमें दिया है, और आखिरी में एंड किस में किया है चरकाचरण ने, एंड बोलते हैं, न अपवादम अनुस्मरेत, अपना जो कोई अपमान हुआ होगा, अपना जो कोई किसी ने इंसल्ट किया होगा, अपने को किसी को कोई इमोशनल हर्ट हुआ होगा, इमोशनल ट्रॉमा हुआ होगा, आपको दुख तो उसका जरूर होने वाला है, लेकिन बार बार वही याद करना छोड़ दे, वो याद है, याद नहीं करने का। सुबह दोपहर शाम को आधा घंटा 20 मिनट उसके लिए दे दीजिए, अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, बहुत बुरा होगा, उस समय आपको क्या इमोशंस आने थे, आने दीजिए, उसको भी सप्रेस मत करो। लेकिन 24 और कुछ पेशेंट को ऐसी आदत रहती है, वो वही बार बार सोचते रहते हैं, ऑब्सेशन में जैसा होता है ना, ओसीडी में ऑब्सेसिव हो जाते हैं। एक बार दो दो 3 महीने पहले किसी ने कुछ बोला होगा, 24 और वही सेंटेंस रिपीट करते रहते हैं मन में, कैसा बोला था, क्या बोला था, वो फिर से वो ड्रामा करते हैं, फिर से वो प्रसंग आमने सामने लाते हैं, उसमें खुद एक बड़ा पार्ट बन जाते हैं उस ड्रामे का। और 20 20 साल, 25 25 साल हो, शादी होके दिन चले गए जाते हैं, फिर भी शादी के दिन किसने, वो सास ने मेरा कैसा इंसल्ट किया था, ये भी कभी कभी रिपीटेशन रात को सोते समय मन में चालू रखने वाले बहुत सारी महिला पेशेंट भी हमने देखी है। आखिर होने वाला क्या है, चरकाचार्य तो बोलते हैं ना, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मातरम समष्णताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम चाति चिंतनात्। रस धातु के अलग अलग प्रकार के डिसीज तो होने ही वाले हैं बाद में। ये जो थोड़ा सा हमने खाली निबंध जैसा, साहित्य जैसा, फिलॉसफी जैसा इतना ही जो पढ़ा था, उनको हम अप्लाइड में कैसा कन्वर्ट करें, इसके ऊपर रिसर्च करके, इसके ऊपर किताब लिख के स्टूडेंट्स के सामने ये चरक संहिता आगे जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा चिकित्सा स्थान में जाइए, देखो कितना सूक्ष्म, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, उस समय मुझे कभी कभी मैंने मेरे मन में प्रश्न ऐसा आता है कि उस समय क्या व्यवस्था होगी रिसर्च की, उस समय कैसे ऑब्जर्वेशन करते होंगे अलग अलग प्रकार पेशेंट का, उस समय कैसी रिकॉर्ड सिस्टम होगी उसके, और उससे उसके बाद कौन से कॉन्फ्रेंस में ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो डिसाइड करते होंगे, ये बड़ा रिसर्च का फंक्शन है। अपस्मार अध्याय में आप जाएंगे, उसमें अतत्वाभिनिवेश का वर्णन आ जाएगा, तो उसमें भी उन्होंने सब पहले ट्रीटमेंट बता दिए है, ब्राह्मी ब्राह्मी के बारे में बताते, वो ब्राह्मी स्वरसम युक्तम यत पंचगव्य मुदा उत्तम करके बताइए, और उसके आगे वो ये भी बताते हैं शंख पुष्प कैसा देना, मेद्य रसायन कैसा देना, लेकिन ये होने के बाद वो स्टॉप नहीं होते। चरकाचार्य का यही वैशिष्ट है, वो हम आपको सिखाते हैं कि जब पेशेंट तुम्हारे सामने आ जाएगा तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5 6 कैसे जाओ, पहले क्या देखो उसमें से, और डिप क्या देखो, सेकंड लाइन नंबर पे क्या देखो, सब क्या देखो। ये पेशेंट को काउंसलिंग करते समय, पेशेंट को जब ब्राह्मी युक्त तो दवा देते हैं, मेद्य रसायन देते हैं, वो सब करते हैं, पेशेंट अतत्वाभिनिवेश, उन्माद, अपस्मार, इनमें से कोई होगा, उसका एक स्ट्रक्चर क्या बताते हो, सूरदश्चानुकूलास्ताम स्वाप्ता धर्मार्थवादिनः संयोजयत व्याधि विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि। क्या बढ़िया तरीके से एक के बाद एक क्रम लिया है, ये तो मॉडर्न काउंसिलर भी नहीं कर सकता इस क्रम से। पहला एडवाइस उन्होंने क्या दिया, पेशेंट को ऐसा सलाह दो, पेशेंट के रिश्तेदारों को ऐसी सलाह दे दो, सुहृद अनुकूल, जिन लोगों के साथ हमारे विचार मिलते जुलते हैं, जिनके साथ हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी तरह से मैच होती जाती है,
जिनके साथ रहने से एक 10-15 मिनट आधा घंटा के लिए थोड़ा रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है। इन मित्र परिवार में, इन रिश्तेदारों में, इन एनवायरमेंट में पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर जाना ही चाहिए। स्वापता जो अपने आप्त है उनके साथ बातचीत करने को पेशेंट बोलो। धर्मार्थवादी ना, धर्म का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं हो लेने का कि गई हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, ऐसा धर्म का अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ यहाँ प्रोफेशन लेना है, प्रोफेशन। हम सब लोग वैद्य हैं, हमारा चिकित्सा करना, वैद्यक व्यवसाय करना ये हमारा प्रोफेशन है। आप में से कोई टीचर होंगे तो टीचिंग करना ये आपका प्रोफेशन है, वैद्यक शास्त्र जो प्रोफेशन होगा। तो धर्मार्थवादी ना, हमारे वैद्यक व्यवसाय में कुछ न कुछ नई चीजें हमको सीखने मिलेगी, कुछ न कुछ अपने हेल्प मिलेगी, कुछ न कुछ एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए जो अभी हम जो 30-35 लोग या जो बाद में यूट्यूब पे देखने वाले होंगे, जो भी इकट्ठा होंगे, ये क्या है, धर्मार्थवादी ना है। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के साथ मिलजुल करके कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करते रहो। चरका चर 5,000 साल पहले बताते थे, और उसकी मैनेजमेंट कैसे करो, संयोजयत, संयोजन करना। कैसा करना, पेशेंट का व्याधि विज्ञानम, व्याधि का विज्ञान पेशेंट को सिखाना पड़ता है। ये जी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव इलनेस और ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर्स में से जाता होगा, या एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट होगा। व्हाट इज एंजाइटी न्यूरोसिस, उसमें ब्रेन में क्या क्या होता है, कोई चित्र दिखा है, पिक्चर दिखा है, कैसा होता है, क्या होता है, सीरोटोनिन क्या होता है, इलेक्ट्रो ट्रांसमीटर्स में चेंज होने के कारण, केमिकल चेंज होने के कारण कैसा लिम्बिक सिस्टम के ऊपर उसका परिणाम होता है, और उसके कारण मन में कैसे विचार आते हैं, एक्चुअल वो रियल नहीं रहते, वगैरह वगैरह। एक विज्ञान है। आजकल ऑडियो वीडियो पिक्चर मूवी सबके तरीके से हम पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं। कुछ पेशेंट को ऐसे डिसीज का विज्ञान उनको बताना चाहिए, धैर्य बताना चाहिए। अरे ये ऐसा ऐसा करने से हमारे इतने इतने पेशेंट अच्छे हो गए, ये देखो, थोड़ा सा धैर्य बढ़ाना है। स्मृति शब्द जब आता है तो स्मृति का अर्थ क्या लेंगे हम, मेमोरी, तो ये तो एक अर्थ हो गया, लेकिन पेशेंट को क्या बोलेंगे, स्मृति बढ़ाओ। अरे भाई कैसे बढ़ाओ, पेशेंट को एक सलाह हम जरूर दे सकते हैं बैलेंस के लिए। ये वाता पित्ता कफा फॉर बैलेंसिंग द वाता पित्ता कफा और बैलेंसिंग द सत्व रज तमस। स्मृति के बारे में अपने मन को, बुद्धि को एक ऐसी आदत हुई है कि अभी भी मैंने आपसे पूछा ना कि आपके कौन से स्ट्रेसेस है, आपको कौन से दुख है, कहाँ कहाँ आपको असमाधान है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे, तो आप भी बहुत सारे एक के बाद एक के बाद बड़ी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन आपके लाइफ में सबसे अच्छा आनंददायी क्षण कौन से थे, ऐसा पूछा। सबसे अच्छा बहुत प्यारी व्यक्ति कौन सी है, ऐसा ऐसे कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन किए, तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ता है। अरे हाँ, मैं कब सुखी था सबसे ज्यादा, बचपन में, नहीं बचपन में नहीं, हाँ शादी के समय नहीं, वाह उसके बाद, सोचना पड़ता है। हमारे मेमोरी को ऐसी आदत होगी जो बैड मेमोरीज है उसकी हम रिपीटेशन करते रहते हैं, वो स्ट्रांग रहती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो रोज रात को सोते समय सबसे अच्छे मेमोरी जो जो आपके है उसको खाली याद करना, 5 या 10 मेमोरीज, और बाद में सोना। स्मृति का अप्लाइड कुछ दे रहे पेशेंट को हम। समाधि भी, समाधि का मतलब खाली हिमालय में चले गए और ध्यान लगा के साधु ऋषि जैसा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कुछ मेथड बतानी पड़ेगी पेशेंट को। समाधि का मतलब इतना ही ले लो कि नंबर ऑफ थॉट्स पर मिनट कम करना है। जब रात को सोएंगे तो पहले डीप ब्रीदिंग कर लो, रिलैक्स योर ऑल मसल्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एब्डोमेन। नाउ डोंट डू एनीथिंग, एब्डोमेन नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है सांस के तरीके से, उसको खाली काउंटिंग करो। 20 से उल्टी काउंटिंग करो, नीचे चला गया पेट 20, ऊपर आ गया 19, फिर नीचे गया 18, उल्टी काउंटिंग करते करते 0 तक आप आ सकते हैं क्या?
सांस में अंदर जो हवा जा रही है, जैसा विपस्सना में सिखाते हैं आनापान, वैसा उस हवा का टच देखो, वो भी काउंट करो। ऐसा छोटा सा एक्सरसाइज बता दिया तो ये भी एक कदम मंजिल की ओर, एक कदम समाधि की ओर ही जाने वाला है धीरे धीरे। इन सभी को ये ब्राह्मी स्वर संयुक्तम वा पंचगव्यम उदाहरतम के साथ साथ देना जरूरी है, इसलिए दोनों श्लोक एक साथ चरकाचार्य ने दिए हैं। मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द पेशेंट, इसके ऊपर चरकाचार्य बोलते हैं। तो थोड़ा सा सैद्धांतिक के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। समय कितना है? ये तो विषय तो ऐसा है ना कि एक्चुअली वन डे सेमिनार का विषय है, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट में थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। ये देखो वात व्याधि, थोड़ा सैद्धांतिक बात भी करेंगे, अप्लाइड में उसको कैसा कन्वर्ट करना है। वात कलाकली अध्याय आपने पढ़ा है, अपान वायु कहाँ कहाँ रहता है, स्वयान वायु कहाँ रहता है, समान वायु कहाँ रहता है। समान वायु बोलने से हमारे सामने इंटेस्टाइन आते हैं, जठर आता है, आंत्र आता है। समान अग्नि समीपस्थे कोष्ठे चरति सर्वथा, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचेति मुंचति। लेकिन चरकाचार्य को मालूम था कि ये गृह्णाति पचति विवेचेति मुंचति, ये कार्य पूरे शरीर में हो रहा है, हर एक सेल में भी हो रहा है, खाली जठर और आंत्र में हो रहा है ऐसा नहीं है। इसलिए समान का स्थान बताते समय चरकाचार्य बोलते हैं कहाँ समान वायु रहता है, स्वेद दोषाम्बु वाहिनी स्रोताओं से समधिष्ठिता। हाँ, अंतरग्नस्य पार्श्वस्थे स्वर्ण अग्नि बन प्रदा, स्वेद वह स्रोत, दोष जहां जहां वहन कर सकते हैं वो अंबु वह स्रोत, जहां जहां अंबु का वहन होता है वहां उस रीजन में ये समान का उसकी व्याप्ति है, वहां समान वायु वहां का गृह्णाति पचति कंट्रोल करता है। और उसको जो बल देना है, धातु अग्नि को जो बल अग्नि बढ़ाना है कम करना है, इसका कंट्रोल जठर अग्नि के पास दे दिया है, अंतरग्न से पार्श्वस्थ है। तो ये ठीक है, सिद्धांत तो अलग प्रकार का आ गया। पेशेंट देखते समय क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था ना, एक पेशेंट था पाइलोनिडल साइनस का, आर्म पिट्स में, दोनों आर्म पिट्स में उसको प्रॉब्लम हो रहा था, उजिंग हो रहा था, बार बार ड्रेसिंग करना पड़ रहा था, उसके जो ट्रैक है वो धीरे धीरे मल्टी ट्रैक वहां होना शुरू हो गया था, सर्जरी करना मुश्किल था। एंटीबायोटिक लेने के बाद वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता था, पेन किलर लेता रहता था। स्वेद वह कूपों का परीक्षण मैंने आपको बताया, चरकाचार्य का अभिप्रेत है। और ये अंबु वह स्रोतस, स्वेद वह स्रोतस, दोष वह स्रोतस, ये पूरे शरीर में है और वहां से अच्छी तरह से जो एब्सॉर्ब होना चाहिए वो नहीं हो रहा, अलग अलग प्रकार का सेपरेट हो रहा है। ये सब देखने के बाद पेशेंट के मैंने जनरल एग्जामिनम किए, ग्रहणी के बारे में, संग्रहणी के बारे में कुछ पूछना शुरू कर दिया। कुछ लक्षण ऐसे मिले जैसे मुहूर्त बद्धम, मुहूर्त द्रवम, संग्रहणी का है, अग्नि विषम रहता है वगैरह, थोड़े बहुत वो भी मुझे मिलने लगे थे। 100% संग्रहणी ऐसा लेबल नहीं कर सकते थे, लेकिन ग्रहणी चिकित्सा में, ग्रहणी निदान में जो बताया उसमें से बहुत सारे लक्षण मिले थे। तो मेरे मन में विचार आया कि हम इसको समान वायु के ही ट्रीटमेंट देके क्यों ना ट्रीट करें। ये जो गंधक रसायन है, आरोग्य वर्धिनी है, बाकी जो है वो सब जो जो ट्रीटमेंट उसके लिए जरूरी है, कुछ गुग्गुल कल्प यूज करते हैं वो तो दिए थे वो पाइलोनिडल साइनस के लिए, लेकिन समान वायु में जो जो लेना ट्रीटमेंट बताइए, समाने मध्य इष्यत से लेकर जठराग्नि अच्छा करने से लेकर उसका रात का खाना पूरा बंद कर दिया था, सुबह ब्रेकफास्ट लेने का है खाली, दोपहर को खाली भाकरी वगैरह ज्वार बाजरा इतना ही खाने का है, थोड़े से फ्रूट्स और थोड़ा सलाद के कुछ प्रकार ये लेने के है, उसके बाद खाली सूप लेते रहने का है, अग्नि का बल जठराग्नि का बल धीरे धीरे बढ़ाने का था, इनडायरेक्टली वहां की जगह भी मुझे सुखाने की थी, दोनों की एक साथ ट्रीटमेंट जब चालू कर दी तो पाइलोनाइडल साइनस भरा होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो सूख गए ना, बार बार ड्रेसिंग नहीं करना पड़ा उसका।
जो हर 8 दिन के बाद सर्जन के पास जाना पड़ता था, अभी महीने 1.5 महीने में एक बार हो गया तो वही चला था, और उसका काम कर सकता था वहां कोई कॉटन गाज पीस वगैरह रख के। सार्वदेहिक समान का विचार भी हमें करना चाहिए, एक अलग प्रकार का थिंकिंग, डीप थिंकिंग। ये तो चरक सूत्र से ही हमें मिलता है ना। ये खांसी की पेशेंट तो सभी अपने यहाँ आते हैं, सीतोपलादी से लेकर तालिसादिक चूर्ण तक हम अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करते हैं, सब करते हैं। देखो चरक कितना सूक्ष्म जाने के बोलते हैं, और प्रैक्टिकली अप्लाइड करते समय कैसा करो इसके बारे में हर एक अध्याय में कोई ना कोई कैसी चीजें बोलता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं खाली दे रहा हूँ, देखो काश चिकित्सा अध्याय देखो आप, उसमें वातज चिकित्सा, वात काश की चिकित्सा है। उसमें तो पहले स्नेहन स्वेदन जो करना है वो तो करो पेशेंट को, यहाँ याद से तो बताओ, और उसके बाद बुद्धिमान वैद्य जो होगा उन्होंने क्या करना चाहिए इसके बारे में चरकाचार्य बोलते हैं कि चलो वातज काश की आप चिकित्सा कर रहे हैं, फिर भी और एक दो परीक्षण करो। वातज काश वाले पेशेंट को यदि विबंध होगा, पेट में विबंध जैसे लक्षण है और उसको बिल्कुल मल प्रवृत्ति नहीं है, कोई नहीं रही, तो उसको अनुवासन बस्ती देना जरूरी है। वाताजी काश है, मल के बारे में भी पूछो, काश चिकित्सा में हाउ टू एग्जामिन द स्टूल, स्टूल एग्जामिनेशन इन द काश चिकित्सा, ये तो चरक का ही विचार है। और यही पेशेंट को, वातज काश वाले पेशेंट को मल, ये जी उसका ड्राई मल हो रहा है, मल बाहर आ रहा है लेकिन वो बहुत ड्राई है, हार्ड स्टूल है, ऐसा होगा तो उस पेशेंट को आप जो कुछ काश के चिकित्सा दे रही है वो देते रहो, लेकिन उसके साथ खाना खाने के बाद उसको घृतपान करना चाहिए। गर्म पानी में 2 चम्मच 2.5 चम्मच घी डाल के मिक्स करके वो खान, दोनों खाना खाने के बाद पेट में जाना चाहिए, क्योंकि वात काश भी है और उसको हार्ड स्टूल हो रही है। खाने के बाद घृतपान ये उसमें ऐड कर दी, और पित्त और कफ का जब उसमें अनुबंध होगा ऐसा आपको लगता होगा, पित्त और कफ का भी अनुबंध है, और वातज का एक्चुअल लक्षण तो वातज काश के, शरीर में पित्त के भी लक्षण है, कफ के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काश का खांसी करते समय वातज काश का है, ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई होगा तो आपको उस पेशेंट को स्नेह विरेचन देना है। खाली काश के लिए पेशेंट हमारे पास आया है उसमें भी वातज काश का एक सुपरफिशियली डायग्नोसिस हो गया, लेकिन आगे जाते समय स्टूल एग्जाम करके कैसे कैसे, कब अनुवासन दो, कब खाना खाने के बाद घृतपान दो, कब स्नेह विरेचन दो, ये जो डिटेल्स है ये तो खाली चरकाचार्य ही दे सकते हैं। पित्तज काश होगा उसमें भी वो कैसा एनालिसिस करने को बोलते हैं कि कफानुबंधी पित्तज काश होगा तो आप वमन जरूर दे सकते हैं। खाली केवल पित्तज काश होगा और उसमें जो म्यूकस बाहर आ रहा है, कफ दोष जो बाहर आता है वो बहुत पतला है, पानी जैसा है, ऐसा होगा तो आपको उस पेशेंट को निशोत्तर देना है, निशोत्तर चूर्ण, और वो भी शक्कर के साथ देना है। निशोत्तर और शक्कर ये पित्तज काश चिकित्सा में यूज करना है, और कफ पानी जैसा होगा, बहुत पतला होगा तो यूज करने का है, और कफ बहुत घना होगा, हार्ड है वो म्यूकस बहुत, ऐसा होगा तो आपको फिर उसको निशोत्तर ही देना है, लेकिन वो तिक्त रस के साथ देना है। अरे ये जो ऐसा छोटे छोटे एनालिसिस करना, अलग प्रकार का डायग्नोस्टिक अप्रोच से देखना, ये चरकाचार्य की अलग प्रकार की दृष्टि है। स्नेहन अध्याय है, स्वेदन अध्याय है, स्नेहन अध्याय में सबका स्नेह का वर्णन करते समय एरंड स्नेह का वर्णन है, आपको श्लोक भी कंठस्थ होगा, कटुष्टम तैलम एरंडम कषायम स्वादु तिक्तैश पित्तैश, कटु तीक्ष्ण तैलम एरंडम, एरंड तेल कैसा रहता है, कटु है थोड़ा तीक्ष्ण है, आपने भी अनुभव किया होगा बहुत सारे पेशेंट को एरंडी का तेल देने के बाद लुजमोशन तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा वो गर्म पड़ता है, थोड़ी सी एसिडिटी होती है, थोड़ा सा सर्दी ऐसा होता है ना एरंडी के तेल से थोड़ा गर्म पड़ता है, लेकिन ये एरंडी का तेल कषाय स्वादु
और तिक्त, इन तीन रसों का कॉम्बिनेशन करके कोई द्रव्यों के साथ देने से वो पित्त शामक होता है, वो पित्त दोष कम करता है, ये चरकाचार्य ने आगे लिख दिया है। तो जिनको पित्त है, पित्त दोष है, उनको भी एरंडी का तेल देना होगा। एसिडिटी का पेशेंट है, पित्त प्रधानता है, तो हम कैसा, बहुत सारे वैद्य शहद और एरंडी का स्नेह मिक्स करके देते हैं, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच एरंडी का तेल। चलो ये मधुर भी होगा, थोड़ा सा ईषत कषाय भी होगा। तिक्त के लिए उन्होंने जो कोई कासग्न की उनकी पुड़ी तैयार की होगी, उसमें से थोड़ा सा एक तिक्त रस उसमें आ जाता है, और ये सब एरंडी तेल में मिक्स करके खाने को देके ऊपर से वार्म वाटर पीने को दे दिया। ये क्या, एरंडी का तेल, सिंपल एरंडी का तेल लेना है, लेकिन उसके साथ रसों का कैसा विचार करना है। स्वेदन करते समय भी आमाशय गते वाते कफे पक्वाशय स्थिते, आमाशय में वायु स्थित होगा, तो क्या करना चाहिए। चरकाचार्य बोलते पहले रुक्ष रुक्ष स्वेद दे दो, और उसके बाद स्वेदन दे दो। वालू का पोटली ले लो, गर्म करो, पेट के ऊपर रखो, और उसके बाद गर्म तेल से उसका मसाज कर सकते। यही पक्वाशय में संप्राप्ति घटती होगी, तो पहले स्नयन करो, पहले तेल का मसाज करो, और उसके बाद वालू का पोटली स्वेद दे दो, और उसके बाद रुक्ष स्वेद दे दो। खाली स्वेदन देना है तो उसमें भी कब रुक्ष, पहले रुक्ष कब, बाद में स्नेहन कब, पहले स्नेहन कब, बाद में रुक्ष कब, ये चिकित्सा सूत्र एक ही लाइन में, आधी लाइन में, एक दो शब्दों में जब चरकाचार्य देते हैं अलग अलग अध्याय में, इसका कलेक्शन करके रखना है, और उसमें कुछ ना कुछ हम उसका रेगुलर पेशेंट के कैसा यूज करेंगे देखना है। ये स्नेहन स्वेदन अध्याय में उन्होंने बताया है, जो एक श्लोक उन्होंने बताया था स्नेहन स्वेदन अध्याय में, वो है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुझे वो पढ़ते समय ध्यान में आ गया था कि ये चीजों के बारे में सोचते हैं। स्निग्ध स्वेदय उपक्रमे स्विन्न पथ्याशनो भवे तदा स्विन्न गात्रस्तु व्यायामो वर्जयेत नरम। जब स्वेदन होता है कौन सा भी प्रकार का, अग्नि स्वेद हो या निरग्नि स्वेद हो, निरग्नि स्वेद में व्यायाम भी आता है, व्यायाम भी एक निरग्नि स्वेदन है। ये स्वेदन के बाद, स्नेहन स्वेदन हो जाने के बाद पेशेंट ने व्यायाम नहीं करना चाहिए, उसके पहले और बाद में व्यायाम का निषेध बोला है। उससे अलग अलग प्रकार की व्याधियां हो सकती है। आजकल ये अलग अलग प्रकार के जिम में लोग जाते हैं, जिम करते हैं, वेट लॉस के लिए जिम करते हैं, कार्डियो करते हैं, और उसी जिम में एक व्यवस्था की रहती है स्टीम बाथ, सोना बाथ। किसी जिम में स्टीम बाथ होना और सोना बाथ होना, ये चरकाचार्य को अभिप्रेत नहीं है। वो बोलते हैं उस व्यायाम से पहले या बाद में आपने करना चाहिए, वो एक प्रकार का निरग्नि स्वेद है, और कैसे कैसे उसके कारण अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, ये आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे केसेस देखे भी होंगे। थोड़ा सा चिकित्सा के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के योग दिए हैं चरकाचार्य ने, तो उनके जो योग है, तो उसमें से कुछ सिंपल योग ऐसे भी मिलते हैं, हर एक अध्याय में मिलते हैं। हर एक अध्याय आपने पढ़ा तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, कुछ बड़े योग है, कुछ बनाना भी मुश्किल है, ऐसे भी औषधि योग बताए, और कुछ योग ऐसे भी दिए हैं कि वो बहुत इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आपके क्लिनिक में यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर सूत्र भी देते रहेंगे। जैसे विषमत ज्वर में सूत्र आया है, मेदो मेदो चिकित्सा में सूत्र आया है, अष्टोनिंदित में भी उन्होंने कुछ श्लोक दिए, और आपको बताया कि विरेकम सोपवासम च मांस मेदो स्थिते हितम। मांसगत मेदोगत विकार जब होगा तो उपवास और विरेचन, यह ध्यान में रखने का है। वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना आपके पास, जब वजन कम करना है तो जो जो आप ट्रीटमेंट देते हैं उसमें कम से कम एक टाइम का उपवास करना। उपवास यानी खाली पेशेंट को सूप वगैरह लेने को बोला तो भी चलने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट के कम करने हैं, गेहूं
और ये मैदा वाले पदार्थ बंद करने के हैं, और एक टाइम खाली सूप वगैरह लेना है, एक छोटा सा हल्का उपवास हो गया। और विरेचय, जैसे उधर चिकित्सा में नित्यमेव विरेचय बोलते हैं, वैसे वेट लॉस ट्रीटमेंट में भी कुछ ना कुछ विरेचन देते रहने का है। पंचकर्मा जैसा विरेचन करना वो तो बात अलग है, लेकिन रोज कोई ना कोई माइल्ड लैक्सेटिव, तुम्हारे जो आप मेदोहर गुगुल से लेकर आरोग्यवर्धन तक जो आप यूज करते होंगे, उसमें आप रोज विरेचन देते होंगे, तो पेशेंट को जल्दी उसमें मेजरमेंट्स में फर्क दिखाई देता है। सूत्र है एक छोटा सा, यह रक्त पित्त जैसे आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे होता है उसके बारे में बताते सर, कितने सिंपल योग शरकाचार्य बताते हैं। देखो, मूत्र मार्ग में जब ब्लीडिंग होता है, और वो भी सशूल होगा, थोड़ा सरक्त मूत्रता भी उसमें होगा, सदाह होगा, तो उस समय जो कुछ बताते उसमें पहले वो सिंपल बताते, और बाद में आप आगे आगे जाइए वो बता, खाली शतावरी और गोखरू सिद्ध दुग्ध, बहुत सारे पेशेंट को मैंने ट्राई किया है, ये भी सिंपल योग है, सभी जगह अवेलेबल है। शतावरी चूर्ण है, गोखरू का चूर्ण है, दूध में उबालने का है, और वो मेडिकेटेड मिल्क क्रोध पेशेंट को लेना है, और यही गुदगद रक्त स्त्राव होगा तो उसमें दूध ही देना है, लेकिन वो मोचरस सिद्ध लेने का है। मोचरस सिद्ध से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता होगा तो उन्होंने बताया सरकार, अरे ठीक है ये नहीं मिलता का, चलो वटांकुर लाओ, वटांकुर सभी जगह उपलब्ध रहते हैं, ये वटांकुर तो थोड़ा सा पीस के उसे दूध में उबालो, उसका सिद्ध दूध बनाओ, वो नहीं होगा तो शुंठी से और वाला सुगंधी वाला यानी खस और नागर सुंठ सिद्ध दूध, ये भी आप दे सकते हैं। ये वासा घृत के बारे में चरकाचरण ने सबसे सिंबल सिंगल ड्रग जैसा ही ट्रीटमेंट बताई है रक्त पित्त में, वो बोलते हैं ये पूरा का पूरा पंचांग भी नहीं, शाखा पत्ती और मूल अडुलसा की वासा की, वो खाली घी में उबालने का है बस, बाकी और थोड़ा सा शहद डाल के पेशेंट को देने का है, खाली वासा सिद्ध घृत, बाकी दवा उसमें डालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल योग है, हम हमारे क्लिनिक का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में यूज सकते हैं। इतना ही नहीं, मेनोरेजिया जैसे प्रॉब्लम आजकल बढ़ रहे हैं, उसे हम रक्तपित्त से उसकी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पेशेंट्स में अधोग रक्तपित्त यही डायग्नोस कभी कभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेनोरेजिया में करना पड़ता है, और उसकी ट्रीटमेंट में भी जैसा परम तिक्तय उपचारित गर्भाशय की ट्रीटमेंट बताई है, अत्यार्तव की ट्रीटमेंट बताई है, वैसा वासा घृत वहां भी यूज कर सकते हैं आप। सिंगल स्किन डिसीज ट्रीट करना है, स्किन डिसीज ट्रीट करते समय फिर एक या दो ड्रग का भी यूज किया है, हमारे मन में जो पहले से ऐसा बैठा है ना कि इतने सारे बड़े बड़े लंबे औषधि योग रहते हैं, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कौन सा हरित की इतने बड़े दवा, अरे भाई होंगे ना, वो अलग कारण के लिए दिए चरकाचार्य, लेकिन शुरू में और आखिरी में बीच बीच में ऐसे सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट, दो ही औषधियों का एकत्रीकरण, जो जनरल प्रैक्टिस में भी हम यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। गंधक, शुद्ध गंधक आंवले सरस के साथ खाली देना है, थोड़ा शहद डालना है उसमें, शुद्ध गंधक आंवला सोरस शहद, 17 टाइप्स ऑफ कुष्ठ, 17 टाइप्स ऑफ स्किन डिसऑर्डर उससे ठीक हो जाते, ऐसी लाइन चरकाचार्य दे। सुवर्णमाक्षिक भस्म ये गोमूत्र के साथ दे दो, बात खत्म, 17 प्रकार के कुष्ठ उससे कम होने के चांसेस है, सिंपल योग है ना, हम डिस्पेंस कर सकते हैं। वासा और त्रिफला, इन दोनों का स्नान, इन दोनों के काढ़े से क्वाथ से स्नान करना, और वासा और त्रिफला का लेप लगाते रहना, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताई है चरका ने कुष्ठ चिकित्सा में, हमारे पास वासा रहता है त्रिफला रहता है, ये दोनों का मिश्रण करके रखेंगे, वो एक हर्बल स्क्रब पाउडर जैसा पेशेंट को दे सकते हैं, और वही नहाते समय ये जो पानी में डालो, गर्म करो, उबालो, इससे नहाओ, और ऊपर से ये उपटन जैसे लगाओ, ये तो सिंपल सलाह दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो चरकाचार्य ने कुछ हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ सिंपल ड्रग जरूर बताया है, सिंगल ड्रग के घी बनाने को बोले हैं कुष्ठ चिकित्सा में, खदीर घृत, खाली खैर की छाल लेने की, इरमेत
और उसका गृह बनाए। खाली नीम छाल लेने की, यानी वात पित्त कुष्ठ होगा आपके पास, वात पित्त कॉम्बिनेशन का कोई स्किन डिसीज होगा, तो सिंगल ड्रग घृत से आप दे सकते हैं उसे, एक खदीर घृत दे सकते, नीम छाल, नीम की पत्ती नहीं, नीम की छाल का घृत बना के दे सकते। दारू हलद ले लो खाली, और दारू हल्दी का घृत बना के रखो, वो भी दे सकते, पटोल घृत भी दे सकते हैं। चार प्रकार के सिंगल हर्ब्स वाले घृत भी वो बताते हैं। कामलई तू विरेच नहीं, फाइनल ईयर में पढ़ा है आपने ये, लेकिन उसमें तिक्त विरेचन देना है। और ये जो एनीमिया से लेकर कामलय तक जो जो पेशेंट का जो अध्याय उन्होंने बताया ना, उसमें जो श्लोक जो बताए, तो उसमें वो स्नेहन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए दोनों के लिए वो कौन से घृत का वो बताते हैं, पंचगव्यम महातिक्तम कल्याणकम अथापि च स्नेहनार्थे घृतम दद्यात् कामला पांडुरोगिणी। ये जी पांडु का पेशेंट आपके पास आया होगा, चिंता नाम छाति चिंतनात्, ये उसका लक्षण भी है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है, डिप्रेशन भी आ रहा है, एनेमिक होते जा रहा है दिन दिन, ऐसा होगा तो जरूर आप कल्याण का घृत, पंचगव्य घृत, इनमें से किसी घृत का जो मानस रूप में दे उसका यूज कर सकते। लेकिन स्किन ड्राई होते जा रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइनेस बढ़ रहा है, स्किन के कंडो इचिंग इसके ऊपर ज्यादा चेंजेस होने लगे हैं, ऐसा कुछ होगा तो महातिक्त घृत देना। तो महातिक्त घृत में हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ऐसी दवा नहीं है, लेकिन फिर भी पांडु में वो बताते हैं। पहले मुझे लगता था कि इसमें से कैसा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में ऐसा अनुभव लिया है कि जो जो हिमैटिनिक दवा वो लेते हैं, आयुर्वेदिक हो तो उसमें से सुवर्णमाक्षिक से लेकर बाकी रक्तवर्धक, रक्त जीवन तक की जो जो दवा होगी वो होगी, आहार में से कुछ रक्तवर्धक आहार होगा, या मॉडर्न की भी वो ट्रीटमेंट लेते होंगे, हिमप है, हिमाटेनिक टॉनिक है, या डेक्सोरेंज है लेते होंगे, आप भी करके देखो उनको महातिक्त घृत भी उनको चालू कर दो। एक्चुअल वो है स्किन डिसीज का, लेकिन पांडुनाशन में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं चरका। और जब ऐसा तिक्त घृत देकर देते तो उनका हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ता है, उनको जरा अच्छा रिलीफ मिलता है, पांडु के कारण जहां जहां पेनिंग है वो जल्दी कम हो जाते। बाद में मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता होगा, मॉडर्न साइंस में भी ये जो आरबीसी फॉर्मेशन वगैरह जो बताए, इसका सब बोन मैरो से संबंध है, बोन मैरो में से कैसे कैसे आरबीसी का संबंध है, प्लेटलेट का संबंध है वगैरह, जो आपने फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो आपको, और पढ़ी भी है आपने, आपको पता भी होगा, अष्टाश्रयाणाम व्याधीनाम पंचकर्माणि भेषजम बस्तया क्षीर सर्पिषि तिक्त कोपहितानि च। ये तिक्त रस वाला घृत कहीं ना कहीं तो अस्थि मज्जा पर भी काम करने वाला है, इनडायरेक्टली आरबीसी के ऊपर का फंक्शन रेगुलर करने भी उसका फायदा होने वाला है, अस्थि मज्जा को भी, और इनडायरेक्टली ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में उसका जरूर फायदा होता होगा हम बोल सकते हैं। नहीं तो क्या संबंध है ना, यहाँ पांडु बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और ये महातिक्त घृत यहाँ क्यों बताएंगे। हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धौ आदि स्वेदय उपाचरित, पता है सबको हिक्का हो श्वास हो, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट किसके ऊपर फोकस कर रहे चरकाचार्य। आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरी, नाड़ी स्वेद दो, प्रस्तर स्वेद दो, संकर स्वेद दो, लेकिन लवण तैलम, सेंधा नमक लेना है वो तिली के तेल में डालना है या थोड़ा उबालना है, और उसका ही पूरे गले को, उरस्थ रीजन को, थोड़े से पीठ रीजन को मसाज करो, नमक डाल के तेल का मसाज करना, ये तमक श्वास की इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। क्यों लवण का आक्तम लवण तैल है ना, यहाँ ही क्यों क्यों बताया होगा। जब मैं सिंगापुर में गया था तो वहां एक बड़ा सेंटर है, बड़ा एशिया खंड का सबसे बड़ा सेंटर वहां एक है, वेरिटास वेलनेस सेंटर करके है, आप भी कहीं गए तो आप देख सकते हैं, वहां उन्होंने अलग अलग प्रकार की थेरेपीज दिए हैं, नेचुरोपैथिक थेरेपी वगैरह, तो उसमें उन्होंने, मैं बड़ा अचंभित हो गया था उसमें, ये आगे क्या है तो बोले आगे के दो रूम ये सॉल्ट रूम है, सॉल्ट रूम। मैंने बोला क्या सॉल्ट रूम है, उस रूम में पूरा का पूरा सभी जगह सॉल्ट ही रहता है, उनकी दीवारों के ऊपर भी सॉल्ट रहता है, उसके ऊपर भी सॉल्ट के रहते हैं,
और उसी सॉल्ट रूम में जाके 2 घंटा 3 घंटा बैठना, किताबें पढ़ना, ये करना, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है उन्होंने। वहां से जो सॉल्ट रूम तैयार हो जाती है, सॉल्ट सॉल्ट की जो नासिका से जो रेस्पिरेशन से जो अंदर जाने वाला है, उससे ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट कैसा आता है, उसमें अस्थमा कैसा कम हो जाता है, यहाँ से लेकर बाकी उसके जो जो बेनिफिट है सॉल्ट रूम में बैठने से क्या होता है, इसके बारे में वो सब बता रहे थे, वहां लिखा भी है। उस समय मुझे ध्यान में आया, अरे चरकाचार्य ने तमक श्वास में आक्तम लवण तैलेन यही क्यों लिखा होगा। बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारा हाइपोथेसिस है, लेकिन एक एक शब्द, एक एक वाक्य, आधे आधे सेंटेंस, ये हम पेशेंट जब सामने आता है तो उनको हम कैसा कर सकते हैं। और ये वात श्लेष्म हरिम युक्तम तमक केतु विरेचनम, हर एक तमक के साथ में सौम्य विरेचन कैसा देना है, ये भी तो रोज कर। हम श्वास कुठार देते हैं, ताली साधी देते हैं, दीपन पाचन देते हैं, आमाशय उद्भव वो है व्याधि, इसलिए उसके ऊपर भी हम चिकित्सा करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इस पेशेंट को विरेचन देना ये भूलने का नहीं। और ये इसमें कैसा डूज एंड डोंट्स खाली बोलते हैं ऐसा नहीं, प्रिकॉशन भी लेने को बोलते हैं टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस, सर्वेशां ब्रुवणे अल्पा शक्यशो प्रायशो भवेत नात्यर्थम शमनोपायो भृशो शक्यस्य कर्षणे। सीओपीडी का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, क्रॉनिक अस्थमा होते जा रहा है, लंग्स आप ट्रीट कर रहे हैं, सर्वेशां ब्रुवणे अल्पा, कुछ ना कुछ ब्रुवण दे दो भाई। ये ब्रुवण देने के कारण आपका गलत हो गया, वो तो कफ प्रकृति का था, मैंने उसको घी दे दिया, थोड़ा सा अतियोग हो गया, उसको जरा छर्दी सा चलेगा चलेगा, चरका चल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रुवण का अतियोग हो गया, उसके कारण छोटा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, चल जाएगा। लेकिन कर्षण का अतियोग बिल्कुल नहीं इन पेशेंट में होना चाहिए, कर्षण का अतियोग हो गया तो वो इरिवर्सिबल रहता है, एक बार लंग डैमेज हो गया, एक बार सीओपीडी डेवलप हो गया, एक बार इम्फिजेमेटिक कंडीशन हो गई, तो वो फिर से रिवर्स होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था, इतनी बड़ी चरक संहिता है, इतने बड़े अध्याय है, हर एक अध्याय थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार के, जो हर एक अध्याय से थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की। इसलिए मेरा कहना यह है कि चरक संहिता इज ए अप्लाइड साइंस, नंबर एक। नंबर दो, जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं उन्होंने चरक संहिता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ते समय आपके सामने वो पेशेंट आएंगे, आपके सामने वो सिचुएशन आएगी। और तीसरी बात, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज कम से कम ये जो हमारे गुरु जी ने बताया था वैसा जरूर करने की कोशिश करो कि चरक संहिता हो, कौन सा भी उसका पन्ना रोज एक खोलने का है। एक किताब ले लिया, ऐसा किताब ले लिया मैंने, खाली डायरेक्ट ओपन कर दिया, और ये ओपन कर दिया और यहाँ से यहाँ तक क्या है वो सब पढ़ना। अभी मैंने जो ओपन किया तो यहाँ अभी गुलम के बारे में सब यहाँ बातचीत आई है, ये गुलम के नाम से मैंने और डिटेल जाऊंगा ना, गुलम के निदान में वगैरह सब जाऊंगा ना, तो मुझे कोई ना कोई और एक नई चीज मिलने वाली। अपान वायु के वेग, मूत्र वेग और मल के वेग दो रोकता हुआ अत्यंत भोजन करने के बाद नूतन जल प्रसाद अधिक पीता है और अधिक शरीर में भोजन करने सवारी करता है। अभी भोजन करने के बाद जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने का या लिक्विड इंटेक जरूर कर लेने का। चलो शायद मैं ये भूल गया होगा तो मुझे याद आ गया। इस प्रकार किसी दूसरी भी क्रिया में विषमता होता है, गुल्म की संप्राप्ति में उन्होंने अलग अलग प्रकार के दिए, उसमें पिंड क्रोध से पक्वाशय आदि स्थानों का, महास्रोतस आमाशय पक्वाशय आदि स्थानों का दिया है, और आगे चल के उन्होंने स्थान महत्व वर्णन किया है। गुलम का पेशेंट ट्रीट कर लेना, खाली एबडमिन चेक करना ऐसा नहीं है, कौन से बाकी ऑर्गन चेक करो, इसके बारे में भी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिलते जा रहे हैं। और जब मैं डिटेल ये पढ़ूंगा, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दूंगा, तो और कुछ ना कुछ मुझे मिलने वाला है। ये तो एक्सरसाइज आप जरूर करके तो देखिए, नहीं मिला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं मिला होगा तो वो
अपने के अपने में ग्रस्पिंग में या अपने को उसमें उस तरीके से पेशेंट हमने नहीं देखे होते, इसलिए अभी मैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ये अलग तरीके से चरक संहिता का अप्लाइड वापर करना हम शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मुझे जो समय दिया था 5 बजे खत्म करने का था, 5 बजे है, थोड़ा सा 1 मिनट पहले ही मैं आज की बात यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार परम आयुर्वेदा की जो टीम है, मिस्टर एंड मिसेस भुजबल है, सबको बहुत बहुत सबके बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको आगे के यही काम अच्छी तरह से आप चालू रखो, उसके लिए शुभेच्छा देता हूँ, शुभाशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद। नमो नमः गुरुवर्य जी, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हुआ आपने। जैसे कहा कि ये विषय वन डे सेमिनार का टॉपिक है, तो सच में वैसा ही है। और चरकस्तु चिकित्सिते, ऐसे हम कहते हैं, तो पूरी चरक संहिता, उसका हर एक शब्द ये क्लिनिकल ही है, और वही जानता है जो इसे अनुभव करता है। तो आपने ये बहुत ही बड़ी बात कही कि जो चिकित्सक है उन्होंने चरक संहिता पढ़नी चाहिए और उन्होंने ही उसका अध्यापन करना चाहिए। तो आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि परम आयुर्वेद के द्वारा आयोजित ये चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तथा तद्विद्य संभाषा में अध्ययन के साथ अध्यापक जो है वो सभी चिकित्सक ही है अपने अपने कार्य में। जैसे आप भी है, उच्च प्रति के अध्ययनकर्ता भी है और उनके पास अध्यापन का भी कौशल्य है, और ये संहिता वो अपने व्यवहार में अति कुशलता के साथ उसका उपयोग करते हैं। और उनके द्वारा, उनके मुख के द्वारा जब हम इसकी उपयोगिता सुनते हैं, तो वैद्यों में तथा छात्रों में चरक संहिता के प्रति और आदर तो है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ने में उसकी लाभ हमें मिलता है। तो ये आपने जो दिनचर्या से लेकर सद्वृत्त तथा चिकित्सा के सूत्र में कैसे कैसे हम छोटे छोटे लेकिन बड़े लाभदायक वाले शब्द तथा सूत्रों पर ध्यान दे, इसके लिए जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए भी धन्यवाद। दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, इनका पालन तो ऐसे है कि स्वास्थ्य रक्षक तो है ही, लेकिन व्याधि होने के बाद आशु फलदायी चिकित्सा प्राप्त करने हेतु भी उनका हेतु सेवन बंद करने के लिए, निदान परिवर्जन के लिए आवश्यक है। तो वैद्यों को ये दिनचर्या, ऋतुचर्या तथा सद्वृत्त का विधियों का पालन न करना, यही उसके व्याधि का हेतु है। जैसे असंशोधन है, वैसे पता चले तो उस तरह से मार्गदर्शन करने में भी आसानी होती है। और तीसरा जो है कि व्याधि अपुनर्भव के लिए भी इनका पालन आवश्यक है। तो इतने सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं पुनश्च आपको धन्यवाद भी देती हूँ। और अगर कुछ प्रश्न है तो? नहीं सर, अभी तक तो कुछ प्रश्न नहीं है। पूरा ही व्याख्यान इतना स्वच्छ था कि बस ये अच्छा पथदर्शक ही रहेगा हर वैद्यों के लिए। तो उपस्थित सभी वैद्यों द्वारा हम दोनों आपका प्रणाम भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। पुनर्मिलामः, धन्यवादः। आपकी अनुमति से ये पुष्प हम अभी यहाँ पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभेच्छा जी सर।